Thank you.
ओम शांति। परमात्मा के सुंदर स्थान प्रभु उपवन में आप सबका स्वागत करता हूँ। साथ साथ इस इवेंट को जो हमारे व्यूअर्स लाइव देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, हमारे वेबसाइट www.prabhuupvan.org/live पर मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आज कौन सा दिन है? संडे। और संडे माना हॉलीडे, द डे ऑफ रिलैक्सेशन। हम खुद को रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए अलग अलग साधन या माध्यम अपनाते हैं, जैसे गेम्स, म्यूज़िक या एंटरटेनमेंट के अलग अलग साधन, या फिर कहीं बाहर घूमने जाते हैं। लेकिन ऐसा ही और एक माध्यम है जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन, योग। मानते हैं योग भी एक साधन है खुद को रिफ्रेश करने का, रिजुवनेट करने का। हम इसके बेनिफिट्स भी जानते हैं, लेकिन जब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है तो इसको करते करते हम कभी रुक जाते हैं। यहाँ पर भी एक मेडिटेशन सिखाया जाता है जिसको हम कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन। मैं समझता हूँ आप सब में भी काफ़ी लोगों ने ये राजयोग सीखा होगा। क्या हम जान सकते हैं कि आप में से कितनों ने राजयोग का कोर्स किया है? काफ़ी है, मेजॉरिटी। लेकिन फिर भी इस अभ्यास को करते करते हम कहीं ना कहीं अनुभव करते हैं कि हम इस स्टेज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और रीज़न क्या होता है कि उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, या क्लियर अंडरस्टैंडिंग की कमी, जिसको हम कहते हैं साइंस। और उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, द साइंस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे स्पीकर प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन, हम इनका स्वागत करते हैं। मैं स्वामी भाई को स्टेज पर बुलाता हूं। बेसिकली स्वामी भाई मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इन्होंने मास्टर्स इन क्राइसिस मैनेजमेंट किया है, फर्दर एमएससी इन साइकोन्यूरोबिक किया है। ये कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और कंटिन्यूसली बिजी रहते हैं वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो वो IITs और IIMs में कंडक्ट करते हैं। और जितना मैं स्वामी भाई को जानता हूँ, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्वामी भाई हैज़ ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, और इसीलिए वो दोनों को बहुत अच्छे से वो कनेक्ट कर लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं उसको साइंस की भाषा में कैसे उसको समझाया जाए, उनमें वो आर्ट है, बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने रखते हैं कि हम उससे कन्विंस हो जाएं। तो स्वामी भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के इस टॉपिक पर हमको उस पर प्रकाश डालें। लेकिन आज का ये इवेंट हम शुरू करें उससे पहले, हमारा का जो यहाँ जो कल्चर है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हम पहले उस ईश्वर पिता को याद करते हैं, तो भी गीत बजेगा, हम लोग उस गीत के शब्दों को भी ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ उस ईश्वर को भी याद करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस सुंदर से प्रभु उपवन के प्रांगण में इस नमा शाम के समय पर आप सभी का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। और विशेष तौर पर थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जितने भी हमारे व्यूवर्स इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं, उन सबका भी मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। इनफैक्ट साइंस की एक कमाल है कि जो मनुष्य को सुख देने के लिए कितना ना कार्यरत है, राइट? ओके। आज का जो विषय है एक बहुत सुंदर विषय है, द साइंस ऑफ राजयोगा मेडिटेशन। वैसे मैं इसको जितना हो सके सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा विज्ञान को नहीं लेकर आऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो दो तीन शब्द हैं, साइंस है और एक है राजयोगा मेडिटेशन। यहाँ पे साइंस का अर्थ होता है प्रोसेस, विधि जिसको हिंदी में कहते हैं,
दूसरी भाषा में उसको फ्लो चार्ट कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, राइट? जैसे अगर आपने स्विच ऑन किया तो लाइट जलती है, तो इसका ये स्विच ऑन करते साथ लाइट जला, ये एक प्रोसेस है। ये कैसे होता है, अगर आपने इसको समझ लिया तो यू हैव अंडरस्टूड द साइंस ऑफ लाइट। तो जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होती है वायर से और बल्ब जलता है, राइट? अच्छा, अगर आपने ये सर्किट डायग्राम को विश्व में कहीं पर भी जाकर इसको यूज किया तो सेम रिजल्ट मिलेगा आपको, राइट? तो उसी तरह राजयोग मेडिटेशन करने की विधि को अगर हमने समझ लिया तो हमको भी वही रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें अपने उस सर्किट डायग्राम को चेक करना है कि मेरे पूरे सर्किट में कहां पे इश्यू आ रही है। आपने एक दिन स्विच ऑन किया, बल्ब नहीं जल रहा है, तो आप क्या करते हो, है ना? सबसे पहले आपको लगता है कि बल्ब में प्रॉब्लम है। पहले वाले जो बल्ब होते थे ना, तो उसमें फिलामेंट होते थे, वो सब दिखता था, टूट गया। आजकल तो LED में दिखाई भी नहीं देता, तो आप क्या करते हो, उसको दूसरे पॉइंट में ऑन करते, तो वहां बल्ब जल रहा है, मतलब बल्ब तो ठीक है। आपको लगता है शायद स्विच में प्रॉब्लम है, तो स्विच में आप अपना मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हो तो मोबाइल चार्ज हो रहा है, मतलब स्विच भी ठीक है, बल्ब भी ठीक है, लेकिन स्विच ऑन करके बल्ब नहीं जल रहा है। तो आप एक इलेक्ट्रिकल भाई को बुलाकर आप कहेंगे इसका वायर को जरा चेक करो ना। उसी तरह राजयोग मेडिटेशन, आप में से मैक्सिमम भाई बहनों ने इसका एक हफ्ते का कोर्स किया है, तो हम लोग भी अक्सर ये ट्राई करते, स्मृति रूपी स्विच ऑन करते, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। अब बल्ब जल ही नहीं रहा है, बहुत देर ट्राई करते हैं, और स्टार्टिंग में तो इतना उमंग उत्साह आता है। मैंने देखा बहुत सारे भाई बहन 108 बार उसको लिखते रहते हैं, फिर देखते बल्ब जल रहा है, नहीं बल्ब नहीं जल रहा है। अब वन ऑफ द मेजर इश्यू इज, लोगों को लगता है कि ये बल्ब यहां जलता है, नहीं, यू कैनॉट सी दिस बल्ब, आप देख नहीं सकते। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आपका जो प्रोसेस है ऑफ राजयोग मेडिटेशन सही है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? अगर आपने वो सही सर्किट डायग्राम से गो किया, आप थ्रू किए ना, तो आप वही फील करेंगे जो बल्ब फील करता है। लाइट और माइट, ये दो बातें हैं। लाइट दिखेगी नहीं, वो यहां दिखने वाली बात थोड़ी ना है, हम इलेक्ट्रॉन्स कहां देख सकते हैं। हाँ, उसका मैनिफेस्टेशन हम बल्ब में देख सकते। उसी तरह अगर हमने ये पूरे प्रोसेस को यूज किया तो आप देखेंगे आप जीवन में बहुत लाइट रहेंगे, हल्का। पहले पहले कुछ एक बात हो जाता था तो एंग्जाइटी हो जाता या जो भी हो जाता, भारीपन आ जाता था, अब आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं। वही सिचुएशन जो आपको डिस्टर्ब करती थी, अब यू आर मच मोर कंफर्टेबल। हाँ, सिचुएशन आ रही है, लेकिन आप पहले जैसे बहुत हाइपर नहीं हो रहे हैं, आप लाइट हैं उसको, ठीक है भाई, देयर इज अ सिचुएशन, उस सिचुएशन को मुझे टैकल करना है। कैसे मैं टैकल करूं, मैं सोचता हूं हाय तौबा जो पहले करते थे वो नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने उस प्रोसेस को आप अंडरगो करेंगे, दूसरा आप माइट फील करेंगे, बहुत ज्यादा अंदर शक्तिशाली, आप शांत रहेंगे लेकिन बहुत शक्तिशाली, राइट? ये दो सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, राइट? तो आज हम लोग करीब 1-1.5 घंटा इस विज्ञान को समझेंगे, इसके सर्किट डायग्राम को समझेंगे, और विज्ञान ने अध्यात्म को कितना नजदीक लेकर आने का प्रयास किया है, उन वैज्ञानिकों से भी हम आपसे कुछ एक समय पे मिलाएंगे, और फिर मेडिटेशन हम करेंगे आज, जो हमने आज समझा है। तो आप चेक करते रहना अपने सर्किट डायग्राम को, ठीक है, कि कहाँ पर आपको प्लग इन करना है, इसको ठीक करना है। और फिर हम लोग मेडिटेशन करने के पहले करीब, अगर हमारे पास समय होगा तो करीब 5-7 मिनट, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप जरूर जरूर पूछ सकते हैं, फिर हम लोग मेडिटेशन करेंगे, राइट? इज दैट ओके? सर्किट डायग्राम इज ओके? सभी ठीक है? कौन कौन लगता है ये ओके है प्रोसेस, वो जरा हाथ उठाए। ओके, मैं बीच बीच में आपको हाथ उठाता रहूंगा, क्योंकि कभी कभी ना लोगों को ना राजयोग मेडिटेशन में बहुत अच्छा नींद आता है। मेरे बहुत अनुभव, 20 वर्ष का मेडिटेशन का अनुभव ये है, काफी लोग कहते हैं स्वामी भाई आपका मेडिटेशन मुझे इतना अच्छा लगता है, हमेशा मेरे को नींद की प्रॉब्लम थी, लेकिन आपके सेंटर में जाते हैं वो लाल लाइट लगती है, इतनी अच्छी नींद आती है, वाह।
देखो स्लीप जो है ना इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर टू वी ह्यूमन बींग्स. नींद एक बहुत सुंदर गिफ्ट है हमको, लेकिन नींद करने से हमारा शरीर और मन को रेस्ट मिलता है, रेस्ट मिलता है, लेकिन वो लाइट माइट नहीं मिलेगा. हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे. आप किसी और को सशक्त नहीं कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटा सोता रहा, उठूं और मैं एकदम शांत स्वरूप हो गया हूं और मुझे बिल्कुल गुस्सा वुस्सा नहीं आ रहा है. ऐसा नहीं हो सकता. इट कैनॉट हैपन, राइट? तो बीच बीच में मैं आपको हाथ उठाता रहूंगा. और अगर मैंने किसी को अपनी सभा में सोते हुए देखा तो मैं बहुत प्यार से आपको उठाऊंगा, एक कुर्सी बिठा यहाँ और आपको बिठा दूंगा. सारा दुनिया देखेगा आपको. आप टेंशन तो नहीं हो रहा ना? डोंट वरी, मैं किसी को बुलाऊंगा नहीं, बट आई वॉन्ट यू टू बी अलर्ट. और जिनको अगर नींद आती है ना, बहुत लोगों को तो आजकल नींद का प्रॉब्लम है. आपको नींद आ रही है तो आप बहुत भाग्यशाली हो. लेकिन अगर किसी को मेडिटेशन करते वक्त नींद आ रही है तो ये सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम हो सकता है. नींद के समय नींद करना है, योग के समय नींद नहीं करना है. तो अगर आपको नींद आ रही है ना तो अपने आप को एक श्रेष्ठ स्वमान दो कि मैं निद्रा जीत हूं. मेक अ स्ट्रांग कमिटमेंट टू योरसेल्फ. अगला 2 घंटा मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विजयी हूं, मुझे नींद नहीं आ सकती. ये जो कमांडोस होते हैं ना, जो युद्ध के मैदान में युद्ध करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है. 3 दिन से लेकर 1 हफ्ता तक वो सो नहीं सकते, क्योंकि जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो दे हैव टू बी वेरी अलर्ट. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू स्लीप. ठीक है ना? तो हम भी आज महसूस करें, हम भी रूहानी सैनिक हैं, हम भी रूहानी योद्धा हैं. ओके, चलिए अब हम इस पूरे सर्किट डायग्राम को समझते हैं. मैं आपको 5 स्टेज पर लेकर जाऊंगा. एक एक स्टेप है, इट्स नॉट 5 स्टेज बेसिकली, इट्स 5 स्टेप. और उसको मैंने 2-3 स्टेप को ब्रेक किया ताकि आपको बात समझ में आए. ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ राजयोग मेडिटेशन? बहुत सिंपल है, हम सबको पता है, कोई नई बात नहीं है. आप कौन हो? नहीं तो आप कौन हो? देखो हम सबको पता है. ठीक है, दैट्स ओके. फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज कि मैं शरीर नहीं हूं, इस शरीर में रहने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. कैन वी स्विच ऑन द LCD एंड द स्क्रीन? तो मैं आपको थोड़ा सा विज्ञान के आधार पर, आज सुबह भी मैं कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के लोग आए थे तो मैं उनको समझा रहा था. मुझे याद आता है कुछ समय जब हम लोग पहले जब किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं या मेडिकल कॉलेज में जाते हैं और उनको आत्मा के बारे में बताते हैं, तो कभी कभी मैं देखता हूँ मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो हंसते रहते. नेचुरली कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे फील कि हम लोग नेचुरली, हमारा एक टैग लग गया ना, वी आर फ्रॉम द ब्रह्मा कुमारीज. तो सारे बच्चों को पता होता है ब्रह्मा कुमारी सभी चालू हो जाएंगे, आत्मा और परमात्मा तक लेकर जाएंगे. ओ स्टैंडर्ड. और जैसे ही आत्मा के बारे में बोलते हैं ना, वो देखा देखा मैंने बोला था ना. स्टैंडर्ड. ओके, दैट्स फाइन. और हमको करीब 15-18 वर्ष पहले ये सब बातें बच्चों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन आजकल अच्छा लगता है कि हम लोग ज्यादा नहीं बोलते, हम लोग वीडियो लगा देते. और अच्छे पढ़े लिखे जो इंजीनियर्स बैठे रहते हैं ना, बच्चे जो बुद्धिशाली होते, वो देखते ही साथ महसूस करते कि यस, देयर इज सम एसेंस फॉर इट. भारत में 23 IITs है, उसमें वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट न्यू IIT. और अच्छा लगता है नए IITs काफी कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. दे हैव स्टार्टेड अ डिपार्टमेंट विच इज कॉल्ड एज द डिपार्टमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइंसेस. राइट, कॉग्निशन मतलब मन बुद्धि संस्कार, हम लोग कैसे बिहेव करते हैं, ये सारा जो है ना. तो आपको आश्चर्य होता है कि IIT के बच्चे लोग ये सब कैसे क्यों स्टडी करते हैं, है ना? उनका अपना कारण होता है. रोबोट्स जो होते हैं ना आजकल मनुष्य की तरह काम करते हैं. अब आने वाले समय में वो चाहते हैं कि रोबोट जो है वो मनुष्य की तरह सोचे और व्यवहार करे. सो दैट इज द लॉजिक. ओके, तो सबसे पहली बात हम लोग ये समझे कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर एक गाड़ी है, शरीर को चलाने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, काफी बार हम लोग PM TV में देखते हैं ना, तो उसमें वो दिखाने के लिए कहते हैं कि भाई वो भाई या बहन बैठे हैं और जैसे ही आपने स्मृति रूपी स्विच ऑन किया तो टक करके बल्ब जल जाता है. तो बहुत लोग भी, नए लोग बैठते हैं, अभी बल्ब चलेगा, अभी बल्ब चलेगा, अभी बल्ब. हेलो, कभी कैसे चलेगा? वो तो एक रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं. तो प्लीज आज से हमारे जो भी नए भाई बहने बैठे हैं, प्लीज यहां बल्ब का इंतजार मत करना. राइट, वो नहीं देख सकते ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे देख सकते हो? अच्छा,
तो पहले मैं एक स्मृति में रखूं कि मैं एक चैतन्य शक्ति हूं और मैं आत्मा कैसी हूं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसका रिफ्लेक्शन कैसा आएगा, वो हमारे चेहरे पर आएगा. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं तो वो मेरे चेहरे में दिखना चाहिए. एक बार मुझे याद था, एक बार एक सेंटर में प्रोग्राम था युवकों के लिए, तो वहां की दीदी ने मुझे फोन किया, बोला स्वामी भाई आपका बहुत हार्दिक स्वागत है, आप इनको सबको थोड़ा सा अच्छे से गहरी मेडिटेशन सिखाना, तो बताइए आपको क्या क्या व्यवस्था चाहिए. मैंने कहा दीदी LCD प्रोजेक्टर लगा देना, मैं पेन ड्राइव लेकर आ जाऊंगा और सारे युवकों को बोलो कि अपने साथ वो दर्पण लेकर आए. दीदी ने कहा दर्पण क्यों? मैंने कहा लेकर आने के लिए कहो, मैं आकर वहां बताता हूँ. तो जब मैं पहुंचा तो कुछ युवा भाई लोग ने तो एकदम बड़े बड़े दर्पण ले आए. मैंने कहा इतना बड़ा दर्पण क्यों लेकर आता है? वो हनुमान का स्वरूप है, उन्होंने तो पर्वत उठाई है ना. मैंने कहा बड़ा दर्पण क्यों लेकर आता है? बोला स्वामी भाई फुल साइज होने दो ना, क्यों छोटा करें ना, एकदम फुल साइज. मैंने कहा ठीक है बैठ जाए. अब सबको मैंने बिठा दिया. अब मैंने कहा मैं आपको एक एक स्वमान बताता हूँ, जैसे ही आप स्वमान लेंगे तो आप देखना कि आपका वो चेहरे में वो रिफ्लेक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा है. तो मैं आत्मा शांत स्वरूप, तो देखो जब कह रहे हो आत्मा शांत स्वरूप हो तो दर्पण में देखो कि भाई चेहरे में आ रहा है, क्योंकि दिस इज द बल्ब, यहां पर दिखाई देगा, चेहरे में दिखाई देगा. फेस इज द इंडेक्स ऑफ आवर माइंड, हमारा चेहरा मन का दर्पण है. तो जब आप यहां पे स्मृति रूपी स्विच ऑन करते हो तो आपके चेहरे में दिखाई देता है, ठीक है ना. तो एक युवक बैठा था, बोला स्वामी भाई मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मेरा चेहरा देखकर मुझे डर लग रहा है. भाई मैं आत्मा आनंद स्वरूप, तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? खुशी में होना चाहिए, आनंद में होना चाहिए. एंड अगेन आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू, IIT खड़गपुर इज द फर्स्ट IIT ऑफ द कंट्री, दे हैव स्टार्टेड अ कोर्स ऑन हैप्पीनेस. हैप्पीनेस पर हमको लगता है ये सारे इंजीनियरिंग बच्चे रोबोटिक हो जाते हैं, उन लोग हैप्पीनेस पर, IIT खड़गपुर ने शुरू किया ये कोर्स हैप्पीनेस के ऊपर, राइट. तो जब मैं कह रहा हूं मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, तो चेहरे में वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ओके. इसलिए जब हम आज योग करेंगे ना तो आप देखना आत्मा के जो 7 गुण तो हमको पता है, उसमें से कौन सा गुण आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट. बहने होते हैं ना वो यहाँ पे डांस करते हैं, तो जब वो नृत्य करते हैं ना, स्वागत नृत्य करते हैं, तो वो नवरसास अपने चेहरे पर लेकर आते हैं. यहाँ पर भाई और बहन की तो बात ही नहीं है, यहाँ पर तो आत्मा का स्वधर्म है, शांति प्रेम पवित्रता शक्ति सुख आनंद ज्ञान, तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. वी विल वॉच दिस फर्स्ट वीडियो जहां पर आत्मा का एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया है, ओके. IIT गांधीनगर ने तो अभी कॉग्निटिव डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, बट वी आर 60 years बिहाइंड जर्मनी, राइट. और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट है. सुभाष भाई देखते हैं अपन इस वीडियो वेरीफाई कर सकते हैं. उस व्यक्ति को अंदर लेकर गए और उसको रैंडमली प्रेस करना था. 6 seconds बिफोर वो स्विच को प्रेस करने के 6 सेकेंड पहले मिस्टर जॉन जो बाहर खड़े हैं वो 100% एक्यूरेसी से बता सकते हैं कि आप कौन सा स्विच प्रेस करने वाले हो. और 6 सेकेंड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा समय होता है. हम लोग देखते हैं. इंटरेस्टिंग. In your case, up to 6 seconds before you make up your mind, we can predict which decision you're going to make. 6 seconds? Absolutely, 6 seconds, yeah. 6 seconds? So I was conscious of making a decision to press my right finger down, and you're saying that 6 seconds earlier, my brain had already made that decision? Exactly. So here we can show you how we did it. In this region... Pause kare. Ab dekhiye, wo dikha rahe. Ab ye mera, hamara ye video nahi hai. It is from the Berlin University. तो हम सबको पता है कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा किधर रहती है. आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं अंकल आत्मा इधर रहती है, राइट. माता पिता उनको इतना सिखा देते हैं, राइट. तो आत्मा जब यहाँ पर है द सेंटर ऑफ द फोरहेड में, ओके, जब वो डिसीशन लेती है कि मुझे लेफ्ट या राइट प्रेस करना है, तो वहां वो सेंसर लगा हुआ है. तो जैसे ही वो डिसीशन लेता है तो सेंसर के द्वारा मिस्टर जॉन को समझ में आ जाता है कि ये लेफ्ट या राइट प्रेस कर रहे हैं, राइट. और जब तक वो डिसीशन लेकर वो एनर्जी जो है हाथ तक पहुंचे और वो प्रेस करे 6 सेकंड टाइम हो जाता है. आपको समझ में आया एक्सपेरिमेंट.
तो इस वीडियो के द्वारा हमें ये क्लियर कट समझ में आता है कि मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं जो ये सारा जो डिसीशन लेती है। और जब ये बात मैं सभी ऑडियंस के सामने जो वैज्ञानिक ऑडियंस है उनको दिखाते तो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि यस आज तक जो हम लोग सुनते थे तो इट इज वेरी मच राइट। और आत्मा जब ये शरीर छोड़कर चली जाती है तो यू नो इट इज नॉट एबल टू वर्क, दैट ऑल्सो वी अंडरस्टैंड। अच्छा, तो एक बार ये बात समझ में आ गई कि मैं आत्मा हूं, उसका रहने का स्थान यहां पर है, आत्मा के सात गुणों को भी हम समझ ले रहे और उसका सारे दिन में ना उसके स्वरूप में रहना, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप। अच्छा, कैसे पता चलता है कि हम लोग सोल कॉन्शियस हैं या कभी कभी हम लोग देहभान में चले जाते हैं, राइट? वैसे एक होता गुस्सा आ रहा है तो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन कैसे समझते सटल तरीके से हम लोग वो बॉडी कॉन्शियस कैसे होते हैं? देखिए, अगर आप कहीं पर जा रहे हो तो अचानक आपको अपना एक गांव का एक दोस्त, अपना गांव या शहर का एक दोस्त मिल जाता है, राइट? और वही भाषा बोलता है जो आप बोलते हो, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, नो यू फील वेरी कनेक्टेड, दैट इज ऑल ओके। लेकिन अगर मैं किसी और व्यक्ति को देखता हूं, ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, अगर वो दूसरे धर्म का है, दूसरे जाति का है, दूसरे राज्य का है, दूसरा देश का है, दूसरा भाषा बोलता है और मुझे लगता है ये अलग है और मैं अलग हूं, इसका मतलब मैं अभी भी देह के धर्म में अटका हुआ हूं। मैं सुबह से शाम तक मैं आत्मा शांत स्वरूप बोल तो रहा हूं, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप देखते हो कहीं पर कुछ हो गया एक जाति या धर्म के साथ, तो आप इमीडिएटली या तो अच्छा फील करते हो नहीं तो डर लगता है। अगर ये फीलिंग आ रही है मतलब अभी तक मैं सोल कॉन्शियस नहीं बना हूं। और आज अगर आप सारे विश्व की अवस्था और व्यवस्था देखेंगे तो हर जगह लड़ाई झगड़ा हम किस पर कर रहे हैं, या तो देश देश लड़ रहा है नहीं तो जाति भाषा धर्म, या फाइटिंग। और ऐसे समय पर मन को शांत अगर रखना है तो ये सोल कॉन्शियस होना बहुत बहुत जरूरी है। और आप ईश्वर के साथ तभी कनेक्ट हो सकते हो। क्यों नहीं कनेक्ट हो रहे, वो सर्किट क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि परमात्मा जो है ना, हम सभी आत्माओं के पिता वो परम ज्योति परमात्मा है, वो भी हमको पता है, एक हफ्ते के राज्यों कोर्स में हमने वो समझा है। लेकिन कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो परमात्मा जो है ना, ही इज अ सोर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव एनर्जी और वो हर आत्मा का पिता है। एक पर्टिकुलर देश या पर्टिकुलर धर्म जाति के आत्माओं के पिता नहीं है, ही इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल फादरहुड, राइट? और अगर हमारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी बहुत लिमिटेड इसमें काम कर रही है ना, कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, वी विल नॉट गेट कनेक्टेड। तो फर्स्ट स्टेप में ही हम लोग वहां मार खा रहे हैं। इसलिए बार बार यहां पर एक सिस्टम बना हुआ है ब्रह्मा कुमारी इसमें, जहां पर हर दिन वो मुरली बार बार सुनते सुनते, जहां पर ईश्वर बहुत प्यार से कहते मीठे बच्चे आप आत्मा हो, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। तो कुछ भाई बहने कहते हर दिन में अपने आप को आत्मा समझना क्यों जरूरी है, तो चेक करते रहना, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं तो अपने संकल्पों को चेक करना कि फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? मुझे याद आता है, मैं इसका एक वीडियो दिखाने के पहले, व्हेन आई डिड माय एमएससी फ्रॉम द तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, और ये मैंने इसलिए भी कोर्स किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझना था। ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से मुझे आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिल रहा था लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण मुझे जानने की इच्छा थी। तो मुझे पता चला तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कोर्स है जो मन के बारे में ये सब स्टडी करते हैं, तो मैंने वहां ज्वाइन किया। तो उसमें आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में कंसेप्ट है और उस थियोरी में हमने किताब पढ़ी थी, आप में से भी कुछ भाई बहने वो किताब पढ़े होंगे, नहीं है तो आप एक रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। उस किताब का नाम है मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, रिटन बाय डॉक्टर ब्रायन वॉइस, ओके? तो उसमें ये आत्मा के बहुत सारे जन्मों की बात करते हैं और उसमें ये तो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा, प्रैक्टिकल था कि आप अपने पुनर्जन्म को देख सकते हो। इट इज अ साइंस अल्टरनेटिव हीलिंग कहते हैं इसको, PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो जब मेरा चांस हुआ तो एक डॉक्टर थे हु वाज एन एक्सपर्ट इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो मुझे कहा स्वामी भाई नाउ हम आपको पिछले वाले जन्मों में लेकर जाएंगे, तो आपके कोई इमोशंस या फीलिंग्स है क्या? तो मैंने कहा बताइए कौन से फीलिंग्स। बोला आपको किसी से डर वर लगता है क्या, पहाड़ी पर जाने डर लगता है, पानी में जाने के लिए डर लगता है कुछ? मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं मुझे ऐसा कोई डर वर तो ज्यादा नहीं लगता है। तो फिर उसने कहा अच्छा स्वामीनाथन बताइए आपको किसी बात पर बहुत ज्यादा दीवानगी तो नहीं है? मैंने कहा दीवानगी मतलब यू आर वेरी कनेक्टेड इमोशनली अटैच्ड विद समथिंग। मैंने कहा मुझे जरा सोचना पड़ेगा। बोला बैठो सोच कर बताओ। मैं थोड़ा सा बैठा, मैं इसमें किस पर दीवानगी है?
तो मतलब बचपन से देखो कोई इमोशंस हैं जो आपको बहुत ज्यादा दीवानापन दिखा बताता है. तो मैंने अचानक कहा यस सर मुझे याद आया. बोला क्या? मैंने कहा कि आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट दिस कंट्री, मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है. थोड़ा ट्रैफिक वैफिक ज्यादा है लेकिन फिर भी जो है जैसा है महान है. तो मुझे भारत पर, और बचपन से मैं अपने दोस्तों से कहता था कि मैं कभी भी फॉरेन में नौकरी करने के लिए नहीं जाऊंगा, बचपन से कहता था. बोला अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, चलो इसका हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, है ना. फटाफट उसने लिटा दिया. लेते लेते बोला आपको भारत बहुत अच्छा लगता है, कोई सा ऐसा देश है जिसमें बहुत ज्यादा नफरत करते हो? आप बताइए मैंने कौन सा देश का नाम लिया होगा. थोड़ा जोर से बोलिए, ज्यादा जोर से नहीं है, सुन लेंगे पता नहीं वो फिर रहा है. तो मुझसे पूछा, तो मैंने कहा मुझे एक देश से जो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है ना वो है ग्रेट ब्रिटेन यूके, क्योंकि कितना साल हमको गुलाम करके रखा ना, तो मुझे वो कंट्री बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. बोला अच्छा ठीक है लेट जाओ. तो मैं जब लेटा तो देयर इज अ कांसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज पीएलआर, उसका अपना प्रोसेस है, दैट इज नॉट माय टॉपिक हियर. अचानक मैंने देखा एक जन्म में मैं अपने आप को टीचर के स्वरूप में देखा और स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूं. जैसे ही मैंने सीन देखा मैंने कहा परफेक्टली राइट, क्योंकि आज भी मुझे बच्चों के क्लास में जाकर पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है. वेरी वेरी गुड वेरी गुड, एकदम रियलिटी है. और धीरे से आगे बढ़ा तो मैं बच्चों को कह रहा हूं बच्चों हमारा देश जो है ना गुलाम है, इस देश को स्वतंत्र करना है. पढ़ाने के बीच में एक्स्ट्रा सिलेबस भी बता रहा था उनको, है आप लोग भी स्वतंत्रता के लिए इंकलाब जिंदाबाद करना ठीक है. और फिर मैंने देखा थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि मैं चल रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथियां हैं, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माँ की जय, वंदे मातरम, राइट. और मैंने देखा वो ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे पुलिस लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, और फिर वो हमको इतना लाठी मार रहे हैं. और मैंने देखा लास्ट वो लाठी पकड़ते पकड़ते ओम शांति. जैसे ही मैंने वो सीन देखा ना तो मुझे समझ में आया कि यस आज भी वो मेरे फीलिंग्स बहुत जाता है. फिर धीरे से वो डॉक्टर मुझे वो इनपुट दे रहे थे, आगे देखना चाहते हो? मैंने कहा. और मैंने देखा इमीडिएटली मैंने देखा नेक्स्ट जन्म में मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची के रूप में मैं यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन में जन्म लेते हुए. माय गॉड. और मैंने देखा धीरे धीरे मैं बड़ी हो रही हूं, राइट. और मैंने देखा एक ब्रिटिश गर्ल के रूप में अपने आप को देखा. और जैसे ही मैंने वो सीन देखा तो इतना पसीने पसीना हो गया. फिर धीरे से डॉक्टर ने मुझे वापस अपने इस कॉन्शियसनेस में लेकर आए. और जब मैं अपने उस ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आया तो इतना पसीना हो गया था, उन्होंने एक ग्लास पानी मुझे दिया, मैंने पानी पिया. फिर उसने कहा स्वामीनाथन आज के इस सेशन से आपने क्या सीखा? मैंने कहा जीवन का एक बहुत बड़ा सिद्धांत आज मैंने सीखा कि अगर हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं तो वहां जन्म लेंगे, लेकिन अगर हम किसी देश या किसी से हम नफरत करते हैं तो वहीं जन्म ले सकते हैं. अब मैं फिर से पूछता हूं कौन से देश से आपको नफरत है? अब देखो कोई नहीं बोल रहा. आप बुद्धिशाली हो गए. यस. कुछ समय पहले, अब ये तो मैंने अपना अनुभव था, कुछ समय पहले मैं माउंट अबू में एक नेशनल माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था. और जब मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था तो मुझे बताया गया, जब मैं रूम में जा रहा था ना तो मुझे बताया गया कि एक राइट फॉरेनर भाई आपके कमरे में. इमीडिएटली बाप रे फॉरेनर भाई, अब इसके साथ मैं कैसे एडजस्ट करूंगा? फिर मैंने इमीडिएटली अपने आप को ध्यान दिया नो ना, एक समय मैं भी तो वहां जन्म लिया था, ये तो मेरा अपना भाई है, लेट मी मीट हिम. देखो मैं जैसे ही गया ना, and that wonderful brother came. Hello, Professor Swaminathan. Very good. Welcome. I've seen you on YouTube. Wow, I felt very good. And that particular person, na, jo doctor the, he was an expert in stem cell therapy. He was an expert in DNA philosophy. So, मैंने कहा आप आज बैठे हो ना, तो let me share my emotions with you, brother. बोला yes, yes. मैंने अपना ये बताया. तो बोला Swami, you're so true, you're so correct, and that is what the spirituality binds us. All of us. और उन्हें हम एक वीडियो दिखाया और ये वीडियो आप जरूर देखना, wherein you will be able to understand. Can we have the second video, brother? Second video is the world one. Yeah. और मैं ये थोड़ा सा इंग्लिश में है, मैं बताता रहूंगा इसको. लाइट ऑफ कर दे. Would you dare to question who you really are? I'm proud to be English, but my family have served. Pause करें. Defended this country and. तो क्या किया? बहुत सारे देश के लोगों को, कुछ लोगों को, अलग अलग देशों के लोगों को एक उन्होंने एक कलेक्शन किया और सबसे पूछा कि आपको कौन सा देश बहुत अच्छा लगता है. 100% लोगों ने जिस देश में वो जन्म लिए थे ना उस समय वो देश उनको अच्छा लगता था, राइट. नाउ दैट्स व्हाट वी आर टेलिंग. ही सेज आई एम अ ब्रिटिश,
मुझे यूके बहुत अच्छा लगता है राइट आगे I've been to war for this country I'm really patriotic about Bangladesh Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. Which is proud black, so... बताया गया You get on with well or you won't like but राइट हम जो सोचते हैं हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना वो धीरे 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 हमारे वो ऑरा में आता है फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में आ जाता है और हमारे शरीर में एक बहुत इजीली वो डीएनए को चेकअप कर सकते हैं दैट इज अवर सलाइवा हमारे मुख में जो लार है ना तो लार को निकाल कर आपके पेरेंट्स क्योंकि पेरेंट्स से कुछ कुछ मिलता रहता है तो उसका वो ओरिजिन ढूंढते हैं कि कहाँ पर ये देश में इसका वो कंटेंट्स है दैट्स व्हाट अ डीएनए टेस्ट इज ऑल अबाउट अगर आप गूगल में डीएनए देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे डिटेल्स मिल जाएगा तो क्या किया उन्होंने सभी लोगों को एक ट्यूब दिया और कहा कि आप अपना लार उसको उसमें स्पिट करो और फिर उसकी टेस्टिंग की गई नाउ दैट्स द नेक्स्ट पार्ट लेट्स सी व्हाट डू यू फील अबाउट टेकिंग अ कि क्या वो बताने वाले हैं तो सबने कहा क्या बताने वाले वो जो हमने आपको बताया वही तो बताने वाले लेट अस सी वो सारा वो डीएनए में दिखाई दे रहा है इट्स एब्सोल्युटली राइट कि एक बार आप या आपके माता पिता या एंसेस्टर्स उस देश में थे दैट्स व्हाट द रिजल्ट इज ऑल अबाउट जो है ना सभी लोगों को बताना चाहिए देयर विल बी नथिंग कॉल्ड एज टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म दैट्स व्हाट शी इज लेडीज टेलिंग चलिए देखते हैं
आत्मा भाई भाई है, लेकिन आज ये डीएनए का डॉक्टर कहता है इन अ वे वी आर ऑल कजिन्स, हम लोग सब कहीं ना कहीं कजिन्स हैं. दैट्स व्हाट इन अ ब्रॉड सेंस. ब्रॉड वे में तो हम लोग सब कजिन्स हैं, लेकिन उन सारी देशों में से जो लोग आए ना उसमें एक डायरेक्ट कजिन इस हॉल में भी बैठा है, इस कन्या से वो कह रहा है. Then you think. अब एक काम करें, आजू बाजू जरा देखें, सारे कजिन्स बैठे कोई ना कोई जन्म में हम लोग एक दूसरे के साथ थे, नहीं तो पूरे भारत में और विश्व में एक साथ एक जगह क्यों आए हैं? आपको क्या लगता है, कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस कभी हो ही नहीं सकता है, राइट? और एक बार जब आपको ये समझ आ जाती है ना, अब धीरे धीरे नफरत द्वेष ये सब निकलने लगता है. And that is the first step of soul consciousness. कैसा लगा? जोर से तालियां बजाइए. Right? It's so beautiful. It's so universal frequency. That's the first step of Rajyoga meditation. Now second stage पर हम जाते हैं. और second stage of Rajyoga meditation में क्या है? ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना. अब आप universal frequency में हो गए. अब वो universal father के साथ संबंध जोड़ना. है ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना. और इस योग के लिए दो हमारे फैकल्टी आत्मा के यूज होते हैं, एक है मन और दूसरा है बुद्धि. तो मन का काम क्या है, विचार करता है, और बुद्धि क्या है, उसका वो चित्र निर्माण करती है. अब देखिए इसका एक बहुत सुंदर सीक्रेट है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. ये क्या है, मोबाइल. अब मोबाइल में ना मेरे जो पिताजी हैं, लौकिक फादर, माई फादर, राइट, ही इज अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर्स दूर में रहते हैं, एंड इट इज इन गॉड्स ओन कंट्री, केरला में. ओके, तो केरला में मेरे पिताजी रहते हैं, और हम लोग जैसे हम लोग पिताजी को अलग अलग शब्द से बोलते हैं, कोई पापा कहते हैं, कोई पिताजी कहते हैं, कोई अब्बू कहते हैं, कोई अब्बा कहते हैं, बापू जी कहते हैं. जैसे हम लोग परमात्मा को बहुत प्यार से क्या कहते हैं, हाँ सभी बोलिए मेरा बाबा, बोलिए जोर से बोलिए, डराओ नहीं ना बाबा को, थोड़ा प्यार से बोलो ना, आप डराते हो पिता को, थोड़ा प्यार से बोलिए और प्यार भरिए. हाँ ये ठीक है, ये ठीक है ना, आप डराओ नहीं ना मेरा बाबा बोल, है ना. तो उस परमात्मा को हम लोग बहुत प्यार से बाबा कहते हैं. उसी तरह मलयालम भाषा में हम लोग पिताजी को अच्छन कहते हैं, ACHAN. क्या कहते हैं, जोर से बोलिए, थोड़ा प्यार से बोलिए. हाँ ये ठीक है, पता नहीं कभी कोई जन्म में केरला में भी जन्म लेना होगा ना, हाँ तो वहां काम आएगा. राइट, वी डू नॉट नो, राइट. अब देखो सपोज अच्छन का फोन आया, तो क्योंकि ये ACHAN तो आई हैव स्टोर्ड इट द फ्रंट, आ जाता है ना AC में आ जाता है. तो जैसे अच्छन कॉलिंग, तो मैं फोन करता हूं, और जब मैं अच्छन से बात करता हूं ना, तो पापा जो है 800 किलोमीटर दूर हैं. जब मैं पिताजी से बात कर रहा हूं तो मुझे पूरे वो पिताजी का स्वरूप दिखाई देता है, यस और नो. और मैं पापा को देखते 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 बात करता हूं, अब पापा भी मुझे देखते देखते बात करते, राइट. और आजकल तो व्हाट्सएप में आप वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन ये पहले की बात मैं बता रहा हूँ, राइट. अब कुछ समय के बाद मुझे फिर फोन आता है, अब फोन आता है तो उसमें अननोन नंबर कॉलिंग, तो मुझे नहीं पता कौन है, तो मैं फोन उठाता हूँ, तो वहां से फोन आता है, स्वामी भाई ओम शांति. तो मैं कहता हूँ ओम शांति, स्वामी भाई मैं राजेश भाई बोल रहा हूँ. अब मेरा जो है ना वो मन बुद्धि ढूंढता है, कौन से राजेश भाई, कौन से राजेश भाई. तो मैं पूछता हूँ कहाँ से बोल रहे हो, स्वामी भाई मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ. तो मुझे पता है मुंबई के राजेश भाई नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मुंबई का राजेश भाई मेरे सामने आ रहे थे. अब मुझे इमीडिएटली समझ में आता दिल्ली, तो मैं कहता दिल्ली में कौन राजेश भाई. तो वहां से फोन पे बोलते स्वामी भाई शायद आपने मुझे पहचाना नहीं. अब कैसे बोलें कि आपको नहीं पहचाना, अच्छा थोड़ी ना लगता है. मैंने कहा ठीक है राजेश भाई आप बोलिए. तो जब बात करने लगते हैं ना, तो मेरा मन बुद्धि जो है ना राजेश भाई का स्वरूप ढूंढता है.
तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बाद ना उनको समझ में आ जाता है, स्वामी भाई शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। तो मैं कहता हूँ, राजेश भाई सच्ची बात बताओ, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। अरे स्वामी भाई मैं बताता हूँ, पिछली बार जब आप दिल्ली आए थे तो जब आप एयरपोर्ट से निकले थे तो मैं ही तो इतना बड़ा गुलदस्ता लेकर आपका स्वागत किया था, और आप ही मेरे गाड़ी में बैठे थे और मैंने आपको ORC में लेकर गया था ना। जैसे ही वो कहते हैं तो मेरा मन बुद्धि उनका स्वरूप समझ में आ जाता, मैं इमीडिएटली कहता हूं, राजेश भाई ओम शांति कैसे हो। दैट इज योग, दैट इज योग। हमको स्वरूप मिलना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे भक्ति मार्ग में जो भी महारथी महाभक्त बने हैं, शिरोमणि राय, उन्होंने ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ा, करेक्ट। कहते जीसस क्राइस्ट ओ फादर, पिता का संबंध जोड़ा। गुरु नानक ने बहुत प्यार से हाथ उठाकर सदगुरु की बात कही उनके लिए ना, सतनाम ओमकार, गुरु का संबंध जोड़ा। खुदा दोस्त कहते हैं, अर्जुन ने भगवान के साथ कौन सा संबंध जोड़ा? दोस्त का संबंध जोड़ा। प्रहलाद ने ईश्वर के साथ माता पिता का संबंध जोड़ा। सती अनसुया ने बच्चे का संबंध जोड़ा। मीरा ने भगवान के साथ साजन का संबंध जोड़ा, जोड़ा ना, राइट। तो सेकेंड स्टेज पर ईश्वर के साथ सर्व संबंध जोड़ना यह बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप कैसे वो संबंध जोड़ेंगे? आप बैठे हैं, आप महसूस करो परम धाम से शिव बाबा टिंग 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 नीचे उतर रहा है और एक फरिश्ते में आ गया, एक एंजल में, और उस एंजल को आपको जो स्वरूप बनाना है बना सकते हो ना, राइट। बाबा आप मेरे पिता हो, तो पिता तो पिता जैसे होना चाहिए ना। तो महसूस करना शिव बाबा वो बूढ़े ब्रह्मा बाबा में आ गए हैं और आप उनको पिता के साथ बात करो। अब बहुत इंपॉर्टेंट है राजयोग मेडिटेशन के सेकेंड स्टेज पर आप ईश्वर के साथ वो संबंध जोड़कर बातें करना, टॉक। स्वामी भाई क्या बात करूं, अरे आज हमारे बच्चों को देखो, कॉलेज के बच्चे सारा दिन दोस्तों के साथ बात करते हो, क्या बात कर रहे हो? व्हाट्सएप व्हाट्सएप व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का मतलब ये होता है व्हाट्स हैपनिंग नाउ, क्या कर रहे हो बच्चे, हर सेकेंड बच्चे फोटो खींच के देते रहे। अभी मैं आगरा में गया था तो मैंने वहां देखा 99% जो लोग है ना सेल्फी खींच रहे भेज रहे, सेल्फी खींच रहे भेज रहे, फिर फोन कर रहे, मेरा फोटो देखा क्या? देखा, लाइक करो ना, प्लीज लाइक मी। चलो ये गैजेट्स को यूज करना नहीं करने की बात नहीं कर रहा मैं यहां पर, लेकिन हर पल जो आप कर रहे हो ना वो बात करो ना ईश्वर के साथ। आज आप यहां पर पूरा दिनचर्या जो है ना, आज मैं क्या बात करूंगा, सुबह उठकर मैंने क्या बात किया होगा? मैंने यही बात किया होगा, बाबा आज मैं बोरीवली में हूं, आई एम हेल्दी वेल्दी हैप्पी फीलिंग वेरी गुड, आज दो सेशंस हैं तो बाबा आप जरूर उनको सभी को अच्छा टचिंग देना, मैं यही तो बात करूंगा। अभी मुझे बात करना होगा तो मैं क्या करूंगा, है ना, अभी बाबा अपन भोजन करते हैं और फिर मुझे नेरूल तक जाना है, बाबा थोड़ा ट्रैफिक वैफिक मैनेज कर देना, मैं जल्दी से जल्दी घर पहुंचूं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक, अपने दिल की बात करो ना। और इस मामले में हमारी माताएं बहनें बहुत शार्प हैं, वो जाकर सारे बाबा को, पति का थोड़ा बुद्धि का ताला खोल दो ना, गोदरेज का ताला लगा हुआ है, ऐसा है वैसा है, उसका संस्कार को परिवर्तन करो, मैं थक गई हूं। और भाई लोग बाबा को बैठकर घूर के देखते रहते हैं ना, अब बातें करो ना, राइट। कभी कभी मेरे पास ना बच्चे आते हैं और कहते हैं स्वामी सर एग्जाम्स के लिए कोई टिप दो ना। मैं कहता हूं आप लोगों ने फिल्म देखी है क्या, लगे रहो मुन्ना भाई। अब लगे रहो मुन्ना भाई में क्या होता, मुन्ना भाई बापूजी को इतना याद करता कि बापूजी किताब के बाहर आ जाते। लोगों को लगता है इट्स अ फैंटास्टिकल मूवी, एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन जिसने राजयोग का रहस्य समझा ना, अगर वो फिल्म को देखता ना, कहता दिस इज द एसेंस ऑफ राजयोग, सेकंड स्टेप सेकंड स्टेज। तो मैं बच्चों को कहता बहुत सिंपल है बच्चों, आप जब पढ़ रहे हो ना तो बहुत प्यार से उनको टीचर के रूप में बुला लेना, परम धाम से शिव बाबा टिंग 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 आ रहा है, एक फरिश्ते के रूप में बैठ गया। अच्छा उस फिल्म में ये था स्टोरी कि वो जो बापूजी है ना, जब वरिष्ठ नागरिक बैठते हैं ना तो वही जवाब देगा जो आपने उनको बताया है, आउट ऑफ सिलेबस वो फरिश्ता भी नहीं देगा। तो आप क्या करो, मैं बच्चों कहता हूं आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ते पढ़ते वक्त वो टीचर शिव बाबा को उस फरिश्ते में देखो और सारा बताते रहो। आप मेरे परम शिक्षक को परम सदगुरु ध्यान से याद करना और एग्जाम में मुझे बताना, बोलते रहो। और जब एग्जाम में जा रहे हो ना धीरे से बापूजी को साथ में लेकर जाओ, बैठ जाओ, यू जस्ट एक्सपेरिमेंट। आजकल माता पिता कहते हैं मेरे बच्चों का एकाग्रता का प्रॉब्लम है, लेट्स स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग दिस फिलॉसफी, राइट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां पर हम लोग अलग अलग संबंध जोड़ सकते हैं, राइट। वी विल हैव द फोर्थ वीडियो, है ना, थर्ड को छोड़ देते, समय की अपनी मर्यादा है, फोर्थ को लेते हैं। अच्छा, एक बार मैं एक बहन से बात कर रहा था, ऐसे ही मैं भट्टी करा रहा था, एक बहन ने कहा, स्वामी भाई बचपन से ना मेरी माँ मुझे कहती थी कि आप ईश्वर को बहुत याद करो तो आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, राइट। तो मैं शिव को बहुत याद करती थी और मुझे ना बाबा मिल गए, परमात्मा मिल गए, तो मुझे सबसे अच्छा संबंध साजन का लगता है। तो मैंने कहा, बहन जी आप कैसे वो बातें करते हो? बोला, स्वामी भाई मैं महसूस करती हूँ कि मैं बहुत सुंदर फरिश्ता हूँ, पार्वती हूँ, धीरे से मैं उड़ रही हूँ और परमधाम से शिव साजन को बुलाती हूँ, परमधाम से शिव बाबा धीरे 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 आते हैं, वो कैलाश पर्वत में वो पहुंच जाते हैं और वो तो शंकर जी को याद करते हैं, तो मेरा जो शंकर, शिव शंकर जो है, सलोना साजन, हैंडसम साजन, वो सामने बैठा है, मैं पार्वती बैठी हूँ। मैंने कहा, आगे क्या करते हो? अरे स्वामी भाई आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है और बीच में कैंडल है और हम लोग दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। आप बताइए शिव बाबा किस पर दीवाना होगा, है ना? जब फाइनल रिजल्ट निकलेगा ना, ये बहन जी को अच्छे मार्क्स मिलेंगे और मेरे को कहेगा, स्वामी भाई तुम मेमोरी कराते रहे। दैट हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। अब मैं आपको एक गीत बजाता हूं, हमारे ये बहुत सुंदर सा गीत है, एक हिंदी फिल्म का गीत है। अब आप यहां बैठकर ना ईश्वर को एक बहुत सुंदर साजन के स्वरूप में देखना, ओके? और ये गीत बहुत ध्यान से सुनना, इनके शब्दों को सुनना, और आज जब आप वो शब्द सुन रहे हो तो आप में वो है ना, आपको महसूस होगा ये स्नेह प्यार कितना रूहानियत है, राइट। आजकल हम लोग बच्चों को स्नेह प्यार शब्द कभी कभी बोल नहीं पाते, कितना परवर्टेड कर दिया, लेकिन इतनी रूहानी ये बात है। It's so spiritual. Let's listen to this song.
कैसा लगा? अच्छा लगा, हर शब्द में कितनी अर्थ था, है ना, इतना ब्यूटीफुल था. सो दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ राजयोग मेडिटेशन, राइट? फर्स्ट इज द सोल कॉन्शियस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, द सेकेंड स्टेज इज उस परमात्मा को अलग अलग स्वरूप में, तुम ही हो, माता पिता, भाई बंधु, सखा साजन, बच्चे के स्वरूप में बात करना, जैसे आप फोन पे बात करते हो ना, और अपने दिल की बात करना, हल्के होना, लाइट होना, सेकेंड स्टेज. थर्ड स्टेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द थर्ड स्टेज इज हमारे जो संस्कार जो परिवर्तन होते हैं. और फर्स्ट सेकेंड स्टेज तो फिर भी भाई बहने कर लेते हैं, लेकिन थर्ड स्टेज पर ये थोड़ा सा टाइम लगता है, और यहां पर हम सबको प्रैक्टिस करना थोड़ा सा जरूरी है. आइंस्टीन जो बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा डायलॉग कहा था, और उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट था कि नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट यू क्रिएटेड इट, राइट? अर्थात कोई भी प्रॉब्लम अगर हमको परिवर्तन करना है तो उसके उस कॉन्शियसनेस के स्वरूप में आना पड़ेगा. मतलब यह है कि आत्मा के अंदर जो संस्कार को अगर हमें चेंज करना है, राइट? अगर हम ये वीडियो बस देखते रहे, सुबह से शाम तक गीत सुनते रहे, आप में से कितनों को लगता है कि हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे? वो जरा हाथ उठाएं. अच्छा, कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, राइट? नो, इट विल नॉट चेंज. आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने देखा बहुत भाई बहन सुबह से शाम तक गीत रहते हैं, अच्छा लगता है, व्यर्थ संकल्प नहीं आता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो गीत के साथ आप बोर हो जाएंगे. और लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि वो संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम जो चेंजेस अपने में लेकर आना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है. वो क्यों नहीं हो रहा है? तो वो थर्ड स्टेज पर आना जरूरत है कि हम अपने उस ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आए. मतलब क्या है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर. तो अगर हमें सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो सॉफ्टवेयर के उस लेवल पर जाकर उसको चेंज करना पड़ेगा, राइट? मैं दूसरी तरीके से बताने की कोशिश करता हूं. जैसे हमारे पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हमको दिख रहा है, लेकिन उसके जो सारा जो इंफॉर्मेशन है ना, आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, पूरा जो डिटेल्स है ना, वो उसका बारकोड में है. तो अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन को चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट कार्ड को चेंज करके कोई फायदा थोड़ी ना है, उसको क्या होगा? लेकिन आप उस बारकोड पर जाना पड़ेगा. तो क्या करते हैं, आप मशीन में स्वाइप करते हो तो कंप्यूटर में इमीडिएटली वो बारकोड का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, वहां आपको जो चेंज करना है आप करो. तो यू हैव टू मीन दैट कॉन्शियसनेस. उसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग पहले साइंस के द्वारा समझ जाते हैं, हम जो सारे मेमोरीज की बात करते हैं, संस्कार मतलब क्या है, हमारी स्मृतियां, और कुछ जो गलत स्मृतियां उसको चेंज करना और अच्छी स्मृतियां भरना. आत्मा एक शरीर से छोड़कर जब वो दूसरे शरीर में जाती है तो अपने सारे वो स्मृतियों को लेकर जाती है. तो स्मृतियां कैसे लेकर जाती है? निमहांस बैंगलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसर्जरी बैंगलोर में मैंने एक रिसर्च पेपर खुद देखा था, जुड़वे बच्चों पर देखा. मां को समझ में नहीं आता इसमें सीता कौन है, गीता कौन है, राइट? एग्जैक्टली सेम फिजिकल कॉन्शियसनेस, शरीर के हिसाब से स्वरूप सेम है. गिवन अ सिचुएशन, कोई परिस्थिति आती है तो जुड़वे बच्चे एकदम डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, राइट? इसको समझना बहुत सिंपल है. आप वैगनार के शोरूम, मारुति शोरूम में जाइए तो दो सेम वैगनार, लेकिन वो डिपेंड करता है वो ड्राइवर हु इज रनिंग द व्हीकल, राइट? तो हमारा वो पूरा सॉफ्टवेयर क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं. विल टेक अप, हाँ, द साइंस नंबर 5. यस, दिस वॉज इन 2011. 2010 में उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया. नाउ वी आर वर्किंग ऑन 2011, विच इज कॉल्ड एज व्हाट इज स्पेस. थोड़ा सा आगे ले लें हम इसको, और थोड़ा सा वीडियो, हाँ, बस 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 बस, हम ऑडियो कर दें एंड प्ले द वीडियो. It was hosted.
ये देह के सर्व संबंधों को भूलो, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, इसलिए कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर वालों को भूल दें, उनके उनके साथ व्यवहार नहीं करें। नो, डोंट मिसअंडरस्टैंड। एक्चुअली परमात्मा जो वो बता रहा है ना, अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी में नहीं आते ना, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। फिर कुछ लोग मुरली सुनकर जाते हैं और कहते नहीं, वो तो ब्रह्मा कुमारी इसमें कहते हैं परिवार को छोड़ दो। कब कहा ये? आपको वो बात समझ में नहीं आई, आपकी अपनी प्रॉब्लम है। जब हम मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो। इसमें आपको बताया होगा, और जब मैं 20 साल पहले जब मैं ये राजयोग सीख रहा था, तो मुझे वो बहनों ने बताया कि दो वायर होता है ना, तो वायर में क्या करते हैं, जब वायर को अगर हमें करंट भेजना है ना, तो बाहर का जो है ना, जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, उसको हम कट करें, अंदर का वायर को जोड़े, स्विच ऑन करें, तो एनर्जी फ्लो होती है। तो ये जो फिजिकल कॉन्शियसनेस है ना, इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। इसलिए जब आप योग में बैठे कुछ समय के लिए, तो ये सब हम भूलें, राइट? तो वही यहां पे बताया गया है, देखिए कैसे। ये तो एक दिन पांच तत्वों का पुतला है, एक दिन मिट्टी में मिलने वाला, ये भी हमको पता है। अब विज्ञान ने इसको प्रूव किया है कि आत्मा का अपना एक सूक्ष्म शरीर होता है, जिसको हम लोग फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ राजयोग का मेडिटेशन। एंजेलिक स्टेज कहते हैं, फरिश्ता स्वरूप कहते हैं, और ये विज्ञान बता रहा है, ये हम लोग नहीं बता रहे। हम लोग तो बस आपको कमेंट्री कराते थे, थोड़ा सा वीडियोस दिखाते थे, बट दिस इज फ्रॉम द डोमेन ऑफ साइंस। क्लिक करें। वर्चुअल, तो हम ये शरीर समझकर चल रहे हैं, लेकिन ये शरीर सत्य नहीं है। सत्य वो आत्मा और उसका जो फील्ड है, ऑरा है। एक बल्ब होता है ना, जितना पावरफुल बल्ब होगा, उसके चारों तरफ आपका एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है। आगे हम देखते हैं। बहुत क्लियरली इंग्लिश में कह रहे हैं कि ऑल इंफॉर्मेशन जो हमको लगता है यहां पर है, मे बी स्टोर्ड इन अ थिन डायमेंशनल, अ टू डायमेंशनल फील्ड। मतलब अब समझ में आता है कि हमने पहले 2010 के वीडियो में देखा, जब वैज्ञानिक समझ रहे थे कि वो आत्मा है, 2011 में उन्होंने ये समझा कि आत्मा के चारों तरफ एक ऑरा, एक फील्ड है, जिसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। नाउ प्लीज यहां पर समझिए, इस शरीर के कॉन्शियसनेस में रहकर हम जितना भी योग करेंगे तो संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। सारा दिन हम भजन करते रहे, कीर्तन करते रहे, सारा दिन है ना बाबा के गीत सुनते रहे, सारा दिन है ना, हमने देखा बहुत सारे भाई बहन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स हैं, लेकिन पीएमटीवी बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, लेकिन मैंने देखा बहुत सारे भाई बहन है सुबह सुबह 4 बजे उठते हैं, पीएमटीवी ऑन करते हैं और बैठ के देखते रहते हैं। नुमा शाम का 6:30 बजे योग पीएमटीवी में करते हैं। इनिशियली ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन प्लीज आपको लगता है वो टीवी वीडियो देखते देखते हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे, प्लीज आई एम सो सॉरी, द आंसर इज नो। आपको खुद अपना मन बुद्धि को यूज कर अपने वो सूक्ष्म शरीर के कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। फरिश्ता स्वरूप आपका मन बुद्धि को यूज करना पड़ेगा। इसलिए कभी भक्ति मार्ग में जो हम लोग भजन कीर्तन करते रहे और योग करते समय सारा दिन टीवी वो पीएम टीवी देख रहे हैं, वो सब दोनों सेम लेवल हो जाता है। समझ में आ गया एक बार? अब खुद अपने आप में बैठो और कोशिश करो, और कैसे करना मैं आपको बताता हूं। एंड द सार, इस कॉन्शियसनेस में आना ये बहुत बहुत जरूरत है। आज बाबा ने मुरली में इसके लिए कहा है, बच्चे अशरीरी बनो। क्या कहा? थोड़ा जोर से बोलिए, डराओ नहीं ना बाबा को, थोड़ा प्यार से बोलो ना, अशरीरी बनना, डिटैच होना है। तो आत्मा धीरे से अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर वो डिटैच हो रही है, राइट? और आज हम इसका थोड़ा सा अभ्यास जरूर जरूर करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो आप देखना,
राइट और एक दो तीन बार देखेंगे ना तो आपके मन बुद्धि को समझ में आएगा ओके दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. फिर आज हम लोग इसको कोशिश करेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो कभी भी जब आप बैठे हैं ना तो इसको ट्राई करना. यहां तक अगर आपको उसका टेक्नोलॉजी समझ में आ गया ना तो मुंबई के लोकल ट्रेन में दो आपके ऊपर चढ़े हैं तब भी आप कोशिश करना. बाप रे ये शरीर को इतना तकलीफ दे रहा, मैं अशरीरी बन जाता हूं. टिक. सबसे बेस्ट वे भक्ति मार्ग में जो साधु संत होते थे ना, जो ऋषि महर्षि उस स्टेज को लेकर आने के लिए वो क्या करते थे, वो जंगलों में चले जाते थे, पर्वत में चले जाते थे, हिमालय के पर्वत में चले जाते थे, राइट. और हम बाबा के बच्चे कहां करेंगे, मुंबई के लोकल ट्रेन में. सबसे ज्यादा बेस्ट एप्लीकेशन. वहां इतना तकलीफ हो रहा है, ट्राई करके देखो ना, इतना तकलीफ हो रहा है. आत्मा अपने वो सूक्ष्म शरीर को लेकर धीरे से डिटैच होकर ऊपर, और मैं वो लोकल ट्रेन को देख रहा हूं, मेरा शरीर नीचे. और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, एक्सपेरिमेंट्स लाइक NDE नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, OBE आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस. वैसे भी लोकल ट्रेन का यात्रा नियर डेथ एक्सपीरियंस तो है ही. तब NDE हो ही रहा है, नियर डेथ एक्सपीरियंस हो रहा है, तो एक काम करो ना OBE में आ जाओ ना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. मसाजिंग होने दो उसका, फिर जब आपका समय आएगा टिक करके लैंड करो, राइट. एरोप्लेन का मैं आज सुबह एग्जाम्पल दे रहा था, एक होता है पायलट, दूसरा होता है ओके एरोप्लेन, और तीसरा होता है उसका रनवे. तो क्या होता है कि पायलट उस एरोप्लेन को धीरे से रनवे से वो डिटैच करता है, और अगर आप विंडो सीट में बैठे हैं और अगर आप नीचे देख रहे हैं तो आपको सब कुछ दिखाई देता है. आप गूगल मैप में ऊपर से देखो ना तो आपको सब कुछ दिखाई तो देता है, राइट. वैसे ही आप आत्मा को सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि को लेकर आप डिटैच हो, राइट. और आपने देखा होगा जब एरोप्लेन में आप यात्रा करते हो ना तो इनिशियली आपको थोड़ा सा वो लगता है, लेकिन जब आप आसमान में आ जाते हो ना तो इतना स्टेबल हो जाता है आपका एरोप्लेन. तो एक्चुअली बहुत स्पीड पर ट्रेवल कर रहा है, लेकिन आपको लगेगा जैसे आप एकदम हल्के. और जब हवाई जहाज जो होता है ना, एरोप्लेन जब जमीन को टच करता है ना, तब आपको लगता है बाप रे इतना स्पीड में ट्रेवल कर रहा था क्या. एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो उससे काफी कम वेलोसिटी पर आ गया है. उसी तरह आत्मा रूपी पायलट सूक्ष्म शरीर रूपी एरोप्लेन को लेकर जब डिटैच होते हैं ना तो अशरीरीपन में वो हल्कापन महसूस होता है. यू विल फील सो लाइट. बिगिन विथ 1 सेकेंड, एक सेकेंड का अनुभव वो करो. जैसे आप में से कितने लोगों को फोर व्हीलर चलाना आता है, वो जरा हाथ उठाए. फोर व्हीलर गाड़ी कार है ना, तो इनिशियली वो बैलेंस नहीं होती है. थोड़ा थोड़ा आप चलाते 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 आप गाड़ी को बहुत अच्छी तरह चला सकते हो. अरे सोचने की बात ये है ना, 5.5 फुट का एक मनुष्य अपने को पायलट को लेकर 30,000 के फुट पर इतना बड़े हवाई जहाज को विद 300 पीपल कार्गो फ्यूल उनका लगेज को लेकर वो अगर 30,000 फुट पर उसको बैलेंस कर सकता है, नहीं आत्मा की शक्ति की बात है. तो क्या मैं आत्मा थोड़ा सा अभ्यास के बाद सूक्ष्म शरीर को लेकर डिटैच नहीं हो सकता हूं क्या. और जैसे आपने इस डिटैच किया मन बुद्धि के द्वारा, और आपको अगर नीचे सब कुछ दिखाई दे रहा है और आपको हल्कापन महसूस हुआ, उस कॉन्शियसनेस में संस्कार परिवर्तन होगा. और इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास करना जरूरी है. सारा समय गीत नहीं सुनते रहो. इसलिए आप देखेंगे हमारे जो फॉरिनर्स, फॉरिन में जो सेंटर होता है ना, वहां पर जैसे योग करेंगे तो रेड लाइट भले लगा लो लेकिन वो म्यूजिक के लिए भी मना करते हैं. तो नो म्यूजिक. Let us try from our own mind and intellect. मैं आज आपको एक वीडियो दिखाता हूँ just to understand. और ये वीडियो thanks to the PMTV who has done this video. लेकिन इस वीडियो को आप पूरा दिन देखते रहो, इससे संस्कार परिवर्तन नहीं होगा. इस वीडियो को देखकर मैं अपने मन बुद्धि को यूज करूँ. जैसे एक बाइक होता है, एक महीने तक आपने बाइक यूज नहीं किया, फिर अगर आप बाइक चलाते हो तो क्या करोगे, आपको बहुत उसमें एफर्ट लगाना पड़ता है. उसी तरह अपने मन बुद्धि को हम यूज करें. देखिए आपको इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग डिटैच होते हैं. आइए फरिश्ते को लेकर आइए. मैं लाइट माइट का फरिश्ता शुभ भावों से भरपूर हूं. अपनी संकल्प शक्ति द्वारा मैं लाइट माइट का फरिश्ता शुभ ओम शांति.
सकते हैं ना, वो हम खुद कोशिश करें। आगे बढ़ाए, पिता परमात्मा से, शिव बाबा से रहा है सुख सब शांति, पवित्रता की किरणें मुझ फरिश्ते पर बरस रही हैं और वरदानों का मुझ फरिश्ते के माध्यम से अब ये प्रकंपन छत्र छाया पूरे शहर में फैल रहे हैं। शहर का वातावरण स्वच्छ और पवित्र बन रहा है, सुख शांति से भरपूर हो रहा है, सब आत्माएं चिंता मुक्त निश्चिंत होती जा रही हैं, परमात्मा शक्तियों और वरदानों का अनुभव कर रही हैं, अपने को परमात्मा छत्र छाया में सुरक्षित महसूस कर रही हैं, सबका जीवन खुशियों से भरपूर होता जा रहा है। आपने देखा वो कैसे हो रहा है, राइट? तो वीडियो में हमको समझ में आ गया कि ओके, दिस इज द वे वी हैव टू डू। अब खुद अपने मन बुद्धि को देखकर उसको यूज करना है। सो दैट इज अ थर्ड स्टेज ऑफ राजयोग का मेडिटेशन। अब फोर्थ स्टेज, धीरे से आप उड़ते उड़ते, राइट? जैसे अगर मैं कहूंगा आप अपने घर में जाना है, बहन जी आपको अपने घर में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? यू आर वेरी क्लियर विद आधा घंटा। मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कितना टाइम लगेगा, एक खड़े पर कहता है सर वो तो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है ना, हम कुछ बोल नहीं सकते। यू आर वेरी क्लियर, एटलीस्ट आधा घंटे में पहुंचोगे। अच्छा, आधा घंटे में या तो आप कार से जाओगे, नहीं तो ट्रेन से जाओगे, नहीं तो बस से जाओगे, राइट? अब मैं अगर आपसे पूछूंगा बहन जी मन और बुद्धि के द्वारा आपको अपने घर जाना है तो कितना टाइम लगेगा? एक सेकेंड। मुझे अगर अपने अच्छन से मिलना है केरला में 800 किलोमीटर, मुझे उनके पास जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? एक सेकेंड। मन बुद्धि के द्वारा मैं इमीडिएटली घर के सामने पहुंच गया, मुझे घर दिखाई दे रहा, धीरे से घर में एंट्री कर रहा हूँ। अब घर में देखो एंट्री कर रहा हूँ तो मुझे घर के सभी कमरे दिखाई दे रहे हैं और मैं पापा इस समय क्या बैठते हैं तो पापा मेडिटेशन रूम में बैठे होंगे। धीरे से पापा, अगर मैंने यहाँ किया ना, वहां पे पापा को अचानक मेरी याद आई, यहाँ बैठ कर मैंने आपको किया, पापा को इमीडिएटली। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस। अगर आपने बेटे को SMS मैसेज भेजा, माई डियर बॉय ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, तो ये जो SMS मैसेज होता है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस, आपके बेटे के मोबाइल तक पहुंचता है, वहां से वो रिप्लाई करता है, पापा थैंक यू वेरी मच, आई रियली नीडेड इट। फिर वो मैसेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से आपके मोबाइल में आता है। तो जब आपको अपने मोबाइल में समझ में आता है, आजकल तो इतना फैसिलिटी है कि अगर उसने मोबाइल रीड किया तो इमीडिएटली आपको क्लिक हो जाता है, हाँ रिप्लाई मिल गया तो यस बहुत अच्छा लगता है, ये तो विज्ञान है ना। लेकिन सोचने की बात यह है कि आपने वो SMS मैसेज भेजने के पहले आपने संकल्प किया, यस और नो? यस। तो कौन सा ज्यादा फास्ट जाएगा, आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन या आपका संकल्प? 100%। आप जब तक विज्ञान उसका प्रूफ करे तब तक मैं वेट करूं क्या? नहीं, आएगा ना प्रूफ, कुछ समय का जरूर आएगा। आने वाले समय पर तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बन गए हैं, राइट? कभी कभी बाबा कहते बच्चे सतयुग में जो है ना पुष्पक विमान होगा। आजकल लोग हंसते नहीं है क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है, कार जो है ना विदाउट एनी व्हीकल उसका प्रोटोटाइप बन गया है ना, आपने देखा होगा ना, व्हाट्सएप में वीडियोस आते हैं, व्हीकल ड्राइवर की जरूरत नहीं है, अपने आप टिंग 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 चलता है। हाँ उन लोगों ने कह रहे इंडियन रोड्स में उसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हम लोग उसको प्रैक्टिस कराएंगे। हाँ बाकी सब में यू हैव गॉट ट्रैफिक रूल्स, उसको प्रोग्राम कर दो, डाल दो, टिंग करके जाएगा। हमारे इंडिया में तो चलाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है ना, कोई ऊपर से आता, कोई साइड से आता, कोई नीचे, अब उतना प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ऐसा एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक है जिसका नाम है प्रणव मिस्त्री, है ना? इसको अगर आप यूट्यूब में देखें, इट इज कॉल्ड एज अ सिक्स सेंस इंस्ट्रूमेंट्स। सिक्स सेंस इंस्ट्रूमेंट्स में ये होता है, उसने यहां तक पता लगाया कि आप जो सोच रहे हो ना वो इमीडिएटली वो कैच, उसका मशीन कैचअप करता है, हो गया। लेकिन उसको भले उसको प्रोडक्शन में नहीं डाला, वैसे आजकल इतना प्रॉब्लम है, अब किसी के संकल्प रीड करने लगे तो बाप रे और भी इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उन्होंने उसको रोक दिया है। लेकिन हो रहा है, आप जो सोच रहे हो, अगर 6 सेकंड पहले मिस्टर जॉन को अगर ये बात समझ में आ रही है कि क्या डिसीजन लेने वाले हो, तो आपके ऑरा के द्वारा आप क्या क्या संकल्प कर रहे हो इमीडिएटली रीड हो जाता है। अब धीरे धीरे उस पर तो काम हो रहा है, लेकिन चलो हम लोग उस विज्ञान, हर इन्वेंशन डिस्कवरी विज्ञान का मनुष्य को सुख देने के लिए है, ये बात भी सत्य है, दैट इज ऑल्सो रियालिटी। सो वी शुड अप्रिशिएट साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो उसी तरह मन बुद्धि के द्वारा मुझे कहीं पर भी जाने के लिए एक सेकंड लगता है। अब बताइए मन बुद्धि के द्वारा आत्माओं का घर, उस घर का नाम क्या है? जोर से बोलिए, प्यार से बोलिए, परम धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, स्वीट साइलेंट होम। अब कौन कौन वेट करेगा कि जब तक मुझे विज्ञान प्रूफ नहीं देगा तब तक मैं वहां नहीं जाऊंगी? हाथ उठाओ। आपके प्रूफ वेट करने नहीं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन आत्मा शरीर छोड़ेगी और एक दिन हमको वहां जाना ही है। हमको लगता है आज वैज्ञानिक मार्स तक पहुंच गए हैं, है ना, चंद्रमा तक पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसका पूरा एक थ्री डायमेंशनल फिगर देखोगे ना तो सूर्य चांद के ऊपर कितना दूर हमारा अपना परम धाम है। विज्ञान इट इज एक्चुअली वेरी वेरी चैलेंजिंग। तो आत्मा अपने मन बुद्धि के द्वारा एक सेकेंड में वो घर पहुंच सकती है। द फोर्थ स्टेज ऑफ राजयोगा, फोर्थ स्टेज में जस्ट महसूस करना वो लाल प्रकाशमय दुनिया, और वहां पर इट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ निर्संकल्प स्थिति, मैं और मेरा बाबा। क्या है? मैं, मेरा बाबा, और कोई संकल्प नहीं। 3 सेकेंड के लिए वहां पे हर संकल्प को स्टॉप करो, क्योंकि यहां पर आपने बाबा से सारी बातें कर ली है, अपने मन को हल्का किया, डिटैच हुए, और परमधाम में इट इज व्हाट वी कॉल इट एज द बीज रूप अवस्था, द सीड स्टेज। और अगर 3 सेकेंड से भी आपने वहां शुरू किया ना तो इट विल एक्चुअली बर्न हमारे संस्कार और आत्मा को एकदम शुद्ध स्वच्छ पवित्र बनाता है। फिर वहां 3-4 सेकेंड वेट करो, फिर धीरे से आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर नीचे उतर रही है और नीचे देख रही है बहुत सुंदर दुनिया। हाँ, आज कौन सा समय चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है? संगम युग, मतलब पता है? अरे वाह, ये भी पता है, वेरी गुड, है ना। और संगम युग के बाद क्या आने वाला है? सत्ययुग आने वाला। और बाबा ने क्लियर कट कहा है, बच्चे जो भी होगा अचानक होगा। ट्रेलर मिला ना 8 नवंबर को, प्रधानमंत्री जी बहुत प्यार से आए और बोला 3 घंटे में आपके सारे कागज बन जाएंगे। आता बहुत भाई बहनों ने फोन किया, स्वामी भाई बाबा मुरली में कहते थे सचमुच हो रहा है, होगा। Why are you waiting for that विनाश? उसके पहले अपने आप को तन मन धन समय श्वास संकल्प में सेवा करो ना। हो गए ना, 3 घंटे के अंदर सारा पैसा कागज के टुकड़े, कितना जगह हम सेवा में लगा सकते थे ना। इसलिए कहते समय पर अगर हमने सही काम किया ना, नहीं तो फिर अंत समय पर हम कुछ को यूज ही नहीं कर सकते। सेवा करिए, थोड़ा सा टाइम हमारे पास बाकी है, योग करिए, सबको ईश्वर का संदेश दीजिए, स्व सेवा करिए, तन मन धन समय श्वास संकल्प को आप करिए, सफल करिए, राइट। सोचने की बात है, इंडियन आर्मी में, एंड आई हैव वेरीफाइड इट फ्रॉम द आर्मी कर्नल एंड ब्रिगेडियर, सपोज एक जवान जो होता है ना, जवान आर्मी में ज्वाइन करता है और उसको साइन करना पड़ता है, वो इंटरव्यू करता है, भाग दौड़ करता है, सब में पास, और वो साइन करता है। साइन करने के बाद उसको कहते हैं, ओके नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, अब आप जाओ नीचे जाओ, वहां से आपका परेड चालू होगा। जैसे वो सीढ़ी से उतरता है ना, पुअर फेलो अचानक गिर जाता है और पैर फ्रैक्चर हो जाता है। उसको आर्मी कमांड हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जब वो ठीक होता है, चल सकता है, दौड़ सकता है, लेकिन वो आर्मी का डॉक्टर कहता है कि ये वैसा भाग दौड़ नहीं कर सकता है जैसे एक जवान को करना चाहिए। पता है इंडियन आर्मी क्या करती है? आपको पता है क्या करती है? जिंदगी भर इस व्यक्ति को पेंशन देती है। अच्छा, उसके जाने के बाद उसके जीवन साथी को भी पेंशन देती है। भाई आपने तो कुछ काम नहीं किया ना, आपने भारत की कहां सेवा की, आपने इंडियन आर्मी की कहां सेवा की, लेकिन फिर भी भारत सरकार इंडियन आर्मी उसको पेंशन देती है जवान को। पता है क्यों देती है? क्यों देती है? क्या क्यों? उसके नहीं, उसको क्यों पेंशन दे? उसने कुछ काम तो नहीं किया ना। हाँ, यू आर राइट सिस्टर, उसके संकल्प के लिए उसने साइन किया कि मैं अगले 10 वर्ष 20 वर्ष मैं इस देश की रक्षा करूंगा। उस संकल्प के लिए आज कलयुगी गवर्नमेंट उसको जिंदगी भर पेंशन देती है। जस्ट इमेजिन करिए, परमात्मा के कार्य पर हम सहयोग देंगे तो क्या ईश्वर हमको रिटर्न नहीं देगा? क्या सोचने की बात है ना, समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। बस बहुत सिंपल से, और बाबा को याद करना है, ये महसूस करना है कि सारा विश्व एक अच्छा विश्व बन जाए। मनसा सेवा करो ना। नहीं स्वामी, अभी पैसे वैसे नहीं है, सारा गया ना, अभी मैं मनसा से करो ना। मनसा सेवा, कौन कह रहा है पैसे से करने की? मन से सेवा करो।
सबसे पहले तो मनसा इज द मोस्ट पावरफुल सेवा. शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, लेट द होल वर्ल्ड बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव. दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट, राइट. अब जब आपने ये किया, बीज रूप अवस्था से नीचे उतरा, देखो पूरा धरती को देखो, एक सुंदर सी दुनिया, श्री कृष्ण की दुनिया. कौन कौन सतयुग में आना चाहता है वो हाथ उठाओ. वाह, वेरी गुड, उसमें तो हाथ उठाते हैं. यस, और जितना आप संकल्प करेंगे ना, ऐसी सुंदर दुनिया में आना है, राइट. और सतयुग की दुनिया सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता की दुनिया, ठीक है. सो दिस इज द कंप्लीट 5 stages. फर्स्ट स्टेज इज सोल कॉन्शियस यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी. नंबर 2 इज बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना, परमात्मा शिव बाबा, उस फरिश्ते में अलग अलग संबंध करके बात करना, हल्के होना, आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर से डिटैच होना, फिर धीरे से 4 stage परमधाम में जाना, बीज रूप अवस्था, फिर आत्मा सूक्ष्म शरीर से धीरे से नीचे आ रही है और बहुत सुंदर सतयुग की दुनिया आ गई है और मैं श्री कृष्ण की दुनिया में. दिस इज द कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ राजयोग, ठीक है. अब आपके मन में कोई प्रश्न है तो हम लोग एक दो प्रश्न लेंगे फिर, लेकिन आप लोग जाना नहीं, हम लोग है ना एटलीस्ट 1-1.5 मिनट का मैं आपको वो मेडिटेशन कराऊंगा, ठीक है. आप लोग उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और फिर जब आप घर में जाएंगे तो अकेले अपने मन बुद्धि से इसको कोशिश करना. बट बिफोर आई टेक यू टू दैट मेडिटेशन, एनी क्वेश्चंस? यस, देखो हाँ, ये एक अलग सा क्वेश्चन है. मैं बेसिकली टुडे आई विल अप्रिशिएट द क्वेश्चन विच इज कनेक्टेड विथ मेडिटेशन. मैं आपको मेडिटेशन के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस है तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन 5000 वर्ष के, क्योंकि आपने ये प्रश्न उठाया तो आई अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन. मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ, जगदीश भाई जी ने एक बहुत सुंदर किताब लिखा, द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा. अब थोड़ा सा वो किताब पढ़िए, किताब पढ़ने के बाद आप मुझे फोन करिए, क्योंकि एक बार आपका थोड़ा सा एक होमवर्क होना चाहिए. लेकिन सच्ची बात बताऊं, 5000 वर्ष है, 6000 वर्ष है, वो तो आगे देखेंगे. पहले इस क्षण को मैं एंजॉय करता हूँ, इस क्षण को मैं ठीक करता हूँ, वर्तमान को आप ठीक करो. लेकिन वो आगे जो है ना, इस होलोग्राफिक यूनिवर्स भी देखना, मैंने आगे आपको वीडियो नहीं दिखाया, इसी वीडियो को अगर आप आगे दिखाएंगे तो क्वांटम फिजिसिस्ट ने वही बात कहा है कि इट इज रिपीटेटिव. वो बात तो ऑलरेडी आजकल के वैज्ञानिक आ गए. इसका भी आप वीडियो लेकर जाना, इसको पूरा देखना तो बहुत सारे उत्तर. एक तो जगदीश भाई ने स्पिरिचुअल एंगल पे लिखा है विद अ रेफरेंस ऑफ साइंस, वैज्ञानिक ने कैसा रिपीटेटिव साइकिल है वो आप इस वीडियो से देख लेना, ठीक है. बट एनीथिंग कनेक्टेड विद योग एंड मेडिटेशन वो हम ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे. यस यस ब्रदर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. नाउ दैट्स अ रिलेवेंट क्वेश्चन कि जब हम योग करते हैं तो आंखें बंद करना चाहिए, आंखें खोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं जब इस विद्यालय में आया तो मुझे वो बहुत अटपटा लगा. अरे बाबा, आज तक तो हमको लगा था आंखें बंद करके योग अच्छा बैठता है. तो एक बार मैं झारखंड में छोटे छोटे बच्चों को सेशन ले रहा था, मैंने कहा बच्चों बताइए, राइट, जब आप प्रेयर करते हो, मेडिटेशन करते हो तो उससे क्या फायदा होता है? सबने कहा सर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है. मैंने कहा वेरी गुड, अब बताइए जब आप मेडिटेशन या प्रेयर करते हो तो आंखें बंद करके करते हो कि आंखें खोल करके करते हो? एक स्टूडेंट का सर आंखें तो बंद करना होता है, हमारे टीचर कहते हैं आंखें बंद करो. आंखें हम लोग एक आंख खोलते हैं, टीचर की नजर पड़ जाती है, आंखें बंद कर, आंखें बंद कर. राइट, मैंने कहा अच्छा ओके, आई विल टेल यू. सो आई वाज एक्सप्लेनिंग अ स्मॉल बॉय, क्योंकि ही हैड आल्सो द सेम क्वेश्चन. तो मैंने उसको कैसे समझाया, मैंने कहा अच्छा बच्चे बताओ, जब आप पढ़ते हो तो आपको एकाग्रता की जरूरत है या नहीं? बोला बहुत जरूरत है. तो मैंने कहा तो अब आंखें, जब पढ़ते हो तो आंखें बंद करके पढ़ते हो कि आंखें खोल करके पढ़ते हो? सर आंखें तो खोल करके पढ़ाई की जाती है. मैंने कहा अच्छा बताओ, जब आपके पापा को एकाग्रता की जरूरत है? बोला यस. मैंने कहा जरूरत है? बोला जब पापा ड्राइव करते हैं. तो मैंने कहा वेरी गुड, जब ड्राइव करते हैं तो आपके पापा आंखें बंद करके ड्राइव करते हैं कि आंखें खोल करके ड्राइव करते हैं? सर क्या बात करते हो, आंखें खोल करके करना चाहिए ना. मैंने कहा अच्छा बताओ, माँ को एकाग्रता की जरूरत है? तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, जरूरत है कि नहीं, जरूरत है क्या? एक छोटी कन्या थी वो खड़ी होकर यस सर. मैंने कहा कब? बोला जब माँ भोजन बनाती है. सर कभी नमक डालना भूल जाती है, कभी बहुत नमक डाल देती है. और सर मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, आंखें खोल करके भोजन बनाती है. सो व्हाट राजयोग मेडिटेशन टेल्स अस, कि जब हम एक्चुअली ये क्या बताता है कि चारों तरफ परिस्थिति होते हुए भी उस परिस्थिति से हम हलचल ना हो, लेट अस बी फोकस्ड ऑन द सेल्फ. और अगर आपको इनिशियली आंखें खोल करके प्रॉब्लम हो रही तो यू कैन क्लोज योर आईज आल्सो, इट्स नॉट दैट इमीडिएटली बहुत हम, द होल अंडरस्टैंडिंग इज लेट अस नॉट बी फोकस्ड इनटू आवर फिजिकल कॉन्शियसनेस, है ना, कि हम आंखें बंद हैं या आंखें खोले, लेट इट बी वेरी नेचुरल, राइट. वैसे भी सबसे अच्छा स्वरूप जो दिखाते हैं, शंकर जी जब तपस्या कर रहे होते हैं
आप शंकर जी का आप वो चेहरा देखना तो आंखें इट इज नॉट कंप्लीटली ओपन और कंप्लीटली क्लोज्ड आल्सो. लोगों को लगता है आपकी आंखों को देखकर कि आपकी आंखें बंद है बट आप सब कुछ होते हुए भी यू आर फोकस्ड ऑन द सेल्फ राइट. सो दैट्स द आंसर ब्रदर. बी वेरी कंफर्टेबल अपने आप वो हो जाएगा. और क्या करना धीरे धीरे इट्स अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल. आप बहुत ट्रैफिक में हो तो भी यू आर वेरी स्टेबल. आप भोजन बना रहे हो तो भी बहुत स्टेबल हो. यू आर वेरी इन अ पीसफुल स्टेट. मैं आत्मा शांत स्वरूप की अवस्था है उसमें आंखें बंद करके ये कॉन्शियसनेस जरूरी थोड़ी ना है. हमेशा उस अवेयरनेस में रहे ना. बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अवेयरनेस. जागृत रहना दैट इज द पॉइंट. ओके हाँ तो बाबा ना अंत समय के लिए बहन जी आपको तैयार कर रहे हैं. ये तो लोग अभी बैठे अंत में इतना हलचल होगा तो आप थोड़ी ना उस समय आंखें बंद करके बैठोगे ना. नहीं वो प्रैक्टिस से आ जाता है तो इसलिए मैंने जवाब दिया. पहले अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है तो आंखें बंद करके करो. धीरे धीरे आंखें खोल करके भी ट्राई करो. थोड़ा सा आंखें खोलो ना. चारों तरफ हलचल है लेकिन मैं उस हलचल से डिस्टर्ब नहीं हूं. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं. दैट इज गुड. अगर मैं आपसे पूछूंगा आपका नाम क्या है तो क्या जवाब देंगे. शरीर का नाम की बात कर रहा हूं. क्या नाम है बाशु भी. सच अ स्वीट नेम. आपको नींद हो या कभी भी हो कहीं से भी आपको आवाज आए बाशु भी तो आपको अटेंशन होता कि नहीं होता है राइट. आपको याद होता है ना. आपका नाम इज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस. तो इतनी भीड़ में भी अगर किसी ने आपको आवाज लिया तो आपका अटेंशन जाता है कि नहीं आता है. जाता है ना राइट. उसी तरह इतनी भीड़ में भी अगर आप उस कॉन्शियस में आ सकते हो कि मैं शांत स्वरूप हूं जैसे आपका नाम लेते ही साथ आपको जागृत हो जाती है कि मेरे लिए बोल रहे हैं. नहीं नहीं यूजली आता है ना. कान में तो आता है ना. कोई आपको नाम ले रहा है तो नाम नहीं आता क्या. आता है और आपको लगता है कि मुझे बुला रहे हैं. उस भीड़ में अगर आपका नाम लिया तो आप वो कॉन्शियसनेस में आते हो. उसी तरह कितने आवाज में भी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं इस स्मृति में आने में क्या तकलीफ है. इसका प्रैक्टिस नहीं हुआ ना. उसके लिए आंखें बंद करने की क्या जरूरत है कि जब मैं आंखें बंद करूं तभी मैं याद करूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं. आपका नाम को याद करने के लिए आंखें बंद करते क्या. चलते फिरते भीड़ में आपका नाम याद रहता है. तो शरीर का नाम याद आ रहा है जो इस जन्म का है. आत्मा तो हमारी ओरिजिनल धर्म शांति है ना. तो स्वरूप में रहने के लिए आंखें क्यों बंद करना जरूरी नहीं है. पहले आप जैसे कंफर्टेबल होते वैसे आप प्रैक्टिस करो. हाँ जी ओके. लास्ट क्वेश्चन. टू क्वेश्चंस विल टेक अप. थ्री क्वेश्चंस. नहीं भाई साहब उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है. आजकल वेस्टर्न रेलवे में ना अनाउंसमेंट होता रहता है कि भाई नेक्स्ट स्टेशन जो है ये है ये है. वैसे सोचने की बात ये है. ये तो मैंने इन अ वेरी लाइटर वे आई एम टेलिंग यू. बट सोचने की बात है इफ यू आर इन अ सोल कॉन्शियस स्टेज ना आपका वो उस स्टेज में है तो 100% वो स्टेशन के पहले आपको इनपुट मिलेगा. क्योंकि आप जाने के पहले एक कमेंट करते हो कि आज मुझे चर्च गेट उतरना या बॉम्बे सेंट्रल उतरना. आप प्रैक्टिस करके देखना. एक बार मम्मा जो थी ना हमारे बाबा मम्मा जो थे तो एक बार किसी बहन ने कहा कि मम्मा मैं इतनी बाबा की याद में थी कि मैं स्टॉप समझ नहीं आया मैं आगे चली गई. तो मम्मा ने बहुत प्यार से कहा बच्ची फिर आप यू आर इन नॉट इन दैट योग स्टेट. मेडिटेटिव स्टेट में हो तो आपको 100% वो इंट्यूटिव टच जरूर मिलेगा. इट्स अ गारंटी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. है आप 100% पहुंचे और उसको प्रैक्टिस करके देखना. यस ब्रदर. नहीं नहीं आप नहीं देखो जैसे मैं कह रहा हूँ ना मैंने अपने पापा को पापा से बात किया तो पापा का स्वरूप मुझे दिखाई दिया. तो वॉज इट इज इट इमेजिनेशन. नो इट्स नॉट इमेजिनेशन. मैं मन बुद्धि के द्वारा तो उनको स्वरूप को देखकर बात तो कर रहा हूँ ना भले वो 800 किलोमीटर दूर है. उसी तरह मन बुद्धि के द्वारा मैं जहां जाना चाहूं मैं जा सकता हूँ. इट्स कॉल्ड एज एस्ट्रल ट्रैवल. इट इज नॉट विजुअलाइजेशन. इट इज नॉट इमेजिनेशन ब्रदर. जैसे उसमें दिखाया ये शरीर हम सत्य समझ कर चल रहे हैं. ये प्रॉब्लम है. ये सत्य नहीं है. सत्य इज योर फील्ड. आत्मा और सूक्ष्म शरीर ये सत्य है. अगर ये सत्य होता तो फिर इसको जलाते क्यों थे.
राइट। आप एक महीने के छोटे से प्यारे से मीठे बच्चे हो, धीरे धीरे यहाँ आते रहिए, थोड़ा सा मुरली हर दिन सुनना, तो धीरे से क्या होगा ना, धीरे 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 मन और बुद्धि शांत होगा, देन यू विल बी इजिली एबल टू डू दैट। और जैसे मैंने इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा थोड़ा सा पढ़ाई, वो थोड़ा सा रीड करना जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट के लिए। यस ब्रदर, वन दिस क्वेश्चन एंड वन सिस्टर्स क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, मतलब इन जनरल पार्लेंस में आप पूछ रहे हैं कि आजकल लोगों की मेमोरी जो है इतनी कम क्यों हो गई, जबकि हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट में इतना कर सकते हैं ना। इसका रीजन भी बहुत ऑब्वियस है ना ब्रदर, क्योंकि आत्मा जन्म लेते 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 आत्मा एक्चुअली बहुत वीक हो गई है, नंबर वन। नंबर टू क्या हो गया है, इस आत्मा के अंदर ना बहुत सारे वायरस आ गए। अब वायरस आते हैं तो उसका प्रोसेसिंग पावर तो कम हो गई होगा ना, तो द मेमोरी इज द सेम, बट इट हैज जो फोल्डर्स में पॉजिटिव फोल्डर्स स्टोर होना चाहिए ना, उसमें बहुत सारे नेगेटिव फोल्डर्स हो गए। गुस्सा है, ईर्ष्या है, नफरत है, उसने मुझे ऐसा बोला है, वैसा बोला, तो वो इतना ज्यादा हो गया कि आत्मा की पावर ऑटोमेटिकली कम हो गई। लेकिन टोटल अगर आप मेमोरी देखोगे तो इट्स वेरी वेरी पावरफुल, बट ओनली थिंग इज अ नेगेटिव फोल्डर आ गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उस नेगेटिव फोल्डर को डिलीट कर रहे हैं और उसमें पॉजिटिव फोल्डर्स भर रहे हैं, देन द आत्मा विल बिकम वेरी पावरफुल, पीसफुल, जॉयफुल, एक्सेट्रा, राइट। तो इसलिए आज हम देखते हैं हमसे अच्छा एक्यूरेट काम वो रोबोट करता है। अलार्म रखते तो अलार्म एकदम सही समय पर बजता है, लेकिन हम उठ नहीं पाते, वो 3:30 से पैपे पैपे करता रहता है, टक 10 मिनट के लिए सोती हूँ, 10 मिनट के लिए सोती हूँ। मतलब क्या है, द मोबाइल विच इज एन इंस्ट्रूमेंट उठ गया है, विच हैज गॉट नो चैतन्य शक्ति, लेकिन मेरी आत्मा की वो पॉजिटिव मेमोरी एंड शक्ति इतनी कम हो गई है कि मैं जानता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अमृत वेला उठना चाहिए, लेकिन आई हैव बिकम सो वीक। आत्मा की वो शक्ति की बात है। तो धीरे 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 जब हम थोड़ा सा योग करते हैं, थोड़ा सा मुरली सुनते हैं, थोड़ा सेवा करते हैं तो दुआएं मिलती है, थोड़ा उमंग उत्साह आता है, तो थोड़ा सा पावर तो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। एंड योग इज टू एम्पावर द सेल्फ, ओके ना ब्रदर। ओके, लास्ट क्वेश्चन सिस्टर। या हाउ मेनी आवर्स डू यू वॉन्ट टू बी सोल कॉन्शियस? ओके, 24 आवर्स नहीं, कितना आपका टारगेट कितना है मैक्सिमम टाइम? चलो मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ। आप में से कितने भाई बहनों को अष्टरतन में आने की इच्छा है, वो जरा हाथ उठाए। अष्टरतन में सीक्रेट जानते हो, बहन जी ने सबसे पहले हाथ उठाया है। तो एक बार मैं इसी तरह एक सभा में प्रोग्राम कर रहा था, मैंने कहा कितनों को अष्टरतन में आने का सीक्रेट, तो एक भाई ने खड़े होकर कहा स्वामी भाई मुझे पता है अष्टरतन में आने का सीक्रेट, मुझे पता है। मैंने कहा क्या सीक्रेट है, बोला 6 घंटा निरंतर योग। मैंने कहा 6 घंटा? लोगों को 6 मिनट नहीं होता, 6 सेकंड नहीं होता, 6 घंटा? बोला यस। तो आज मैं आपको सबसे इजी वे बताऊंगा। एंड बेंजी यू कैन आल्सो कम इन दैट अष्टरतन अगर आप करेंगे, और जब मैं बताऊंगा ना तो तालियां जरूर बजाना, ठीक है? इट्स अ वेरी इजी मेथड। कल परसों बाबा की मुरली में था और मैंने कुछ समय पहले इसको अव्यक्त वाणी में पढ़ा था, राइट? तो क्या है, आज आप लोग एक्सपेरिमेंट करना, आपके साथ स्वामी भाई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। और बेंजी इतना इजी है, यू यूज दिस मेथडोलॉजी। और अगर आपके मन में संकल्प चलेगा कि नहीं अष्टरतन में कैसे आएंगे, बाबा मम्मा हैं, दादियां दीदियां हैं, तो हम लोग कैसे आएंगे, डोंट हैव दैट संकल्प, क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चे अष्टरत्नों की आप पुरुषार्थ करो, अष्टरत्नों की एक्स्ट्रा लड़िया मैं लगा दूंगा आप बच्चों के लिए, सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? तो क्या करना, आज रात को सोने के पहले लास्ट संकल्प उस परमात्मा को याद करके सोना, द लास्ट संकल्प, राइट? और अगर आपका लास्ट संकल्प बाबा आ गया तो जो 6 घंटा आप सो रहे हो वो योग के चार्ट में है। तालियां तो बजाइए। लेकिन वो लास्ट संकल्प बाबा का तभी होगा जब अभी से लेकर बाबा याद रहेंगे। तो हाउ टू बिकम सोल कॉन्शियस 24/7, दादी जानकी जी का मंत्र को याद कर रहा है। मेरे साथ बोलिए, मेरा बाबा, डराओ नहीं ना बाबा को, थोड़ा प्यार से बोलो ना, मेरा बाबा मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज एक काम करना बहन जी, यहां से जा रहे ना, तो मेरा बाबा मीठे बाबा शुक्रिया बाबा, मेरे बाबा मीठे बाबा शुक्रिया बाबा, गाड़ी में बैठे हो मेरा बाबा मीठे बाबा, भोजन बना रहे हो मेरे बाबा मीठे बाबा, और रात को सोने के पहले मेरे बाबा मीठे बाबा शुक्रिया बाबा,
मेरे बाबा मीठे बाबा शुक्रिया बाबा मेरे बाबा, खर्राटे मारने लगो खर खर। और दूसरा दिन कल आओ और दिव्या दीदी को कहो दीदी 6 घंटे का योग। एंड बिलीव मी दैट्स अ टेक्नोलॉजी। 6 घंटा अंत मति सो गति, लास्ट संकल्प अगर आपका बाबा आ गया। जैसे आजकल मेरे क्लास में अगर कोई भी सोता है ना तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं उसको बहुत प्यार से देखता हूं, ये अष्टोत्तर में जरूर आएगा। क्योंकि बाबा की बात सुनते सुनते सो गए। पहले मुरली क्लास में कोई सोता था ना मुझे बहुत गुस्सा आता, उसको झटका देता था, उठ जाके नहा दो क्या। आजकल मुरली क्लास में सोता है तो मैं सबको देखो देखो अष्टोत्तर में आने वाले, बाबा की मुरली सुनते सुनते ठर खर खर। मुरली क्लास में तो नहीं सोना चाहिए लेकिन आज रात को ये ट्राई करना है। आर यू कंफर्टेबल विद आंसर? अभी अभी हम लोग थोड़ा सा योग करते हैं क्योंकि 7:20 हो गया। नहीं, पुनर्जन्म का चिंतन करते हो? नहीं ठीक है ना, अभी वर्तमान तो विश्वास है ना, वर्तमान को ठीक करो ना। अगली बार मैं नहीं जन्म लूंगी, मुक्ति जीवन मुक्ति मोक्ष मिल रहा है, आनंद ही आनंद है बहन जी। लोग इतना तपस्या करते हैं मोक्ष के लिए। हाँ बस 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 ठीक है तालियां बजाइए बहन जी के लिए। वर्तमान तो जाओ, अगला जन्म बाद में देखते हो रहा नहीं हो रहा, व्हाट वी हैव टू डू। हाँ नहीं करिए ना, हाँ बस हाँ नहीं जो अगले जन्म में जब ग्रेट ब्रिटेन में जन्म लेंगे तो उस ग्रेट ब्रिटेन का जन्म को विश्वास करो। अगले जन्म की बात कर रहा हूँ, वहां पर जैसे आप बोरीवली में जन्म ले लिए, इस जन्म का विश्वास करो। ठीक है, अभी का वर्तमान जन्म को मैं विश्वास करूं, दैट्स ओके। ओके चलो हम करते हैं, सभी आराम से बैठे। अच्छा, आई विल जस्ट टेक 1.5 मिनट्स, 1.5 मिनट में सिर्फ लूंगा समय आज का आपका। और 1.5 मिनट में मैं जो बोलूंगा वो ध्वनि आपके मन तक आएगी, आप बुद्धि उसका चित्र बनाना और साथ साथ ट्रैवल करना। ठीक है, तो इनिशियली हमको कोई गाइडेंस चाहिए लेकिन कुछ समय के बाद आप यही प्रैक्टिस आप घर में भी करना। ठीक है, जैसे आपने कमेंट्री सुना फिर कमेंट्री को बंद करो, फिर खुद ट्राई करो, आपकी मन बुद्धि काम करनी चाहिए, राइट? तो ये आप जरूर ध्यान देना। और 1.5 मिनट के बाद हम लोग फिर से एक वीडियो लगा देंगे, सुभाष भाई वो वीडियो फिर से लगा देना, एक नई दुनिया का वीडियो आप देख कर जाना। तो एक अच्छा सा चित्र है श्री कृष्ण की दुनिया, तो वो जो चित्र देखते ना, वो चित्र देखा तो ये दुनिया का बहुत हलचल आप टीवी न्यूज वीडियो में जब देखते हैं ना क्या क्या हो रहा है, तो उस नई दुनिया का इस वीडियो को देखना कि नहीं नई दुनिया अच्छी दुनिया आने वाली है, श्री कृष्ण की दुनिया आने वाली है। ठीक है, ओके। ओम शांति। चलिए आज हम राज्यों के इस सुंदर राजपथ पर यात्रा करते हैं और ये यात्रा मन और बुद्धि के द्वारा। सबसे पहली बात, मैं कौन हूं महसूस करिए। शरीर के ब्रुकुटी के बीच में आप एक चैतन्य शक्ति हो, आप शांत स्वरूप हो। महसूस करिए आपके चेहरे में वो शांति नजर आ रही है, यू आर वेरी पीसफुल बीइंग। आप बहुत शक्तिशाली हो, यू आर वेरी पावरफुल। महसूस करिए इस सारी दुनिया की आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं। And I am vibrating in a universal frequency of love, रूहानी स्नेह हर आत्मा के प्रति। धीरे से महसूस करिए, परम धाम से शिव बाबा धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं एक फरिश्ते में। जो संबंध आपको अच्छा लगता है उस संबंध में बाबा को देखें और उनसे बातें करें, अपने दिल की बातें, को कुछ भी बात हो सकती है, अपने आप को हल्का करें, बाबा के साथ कम्युनिकेट करें।
अब महसूस करें, मैं आत्मा एक पायलट की तरह, मेरा सूक्ष्म शरीर एरोप्लेन और मेरा स्थूल शरीर एक रनवे। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर रूपी एरोप्लेन को लेकर धीरे से डिटैच हो रही हूं, ऊपर आसमान की ओर। नीचे जब आप देख रहे हैं तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग दिखाई दे रही है, रास्ते दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां दिखाई दे रही है, पर्वत दिखाई दे रहा है, और आप बादलों के और ऊपर। आपको सारा पृथ्वी एकदम छोटी सी पृथ्वी दिखाई दे रही है। मीठे बाबा से मिलते हुए आप एक सेकंड में वो लाल प्रकाश में दुनिया परम धाम, मैं और मेरा बाबा, कुछ क्षणों के लिए निरसंकल्प स्थिति। दिल से बाबा को धन्यवाद देते हुए मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर धीरे धीरे मैं नीचे उतर रही हूं, बादलों से होते हुए पृथ्वी पर धीरे से लैंड कर रही हूं। और आप देखिए नीचे का पृथ्वी एक बहुत सुंदर स्वर्ग, श्री कृष्ण की दुनिया, जन्नत, सतयुग, गोल्डन एज, हेवन, पैराडाइज, किंगडम ऑफ गॉड। कैसी सुंदर दुनिया, वहां पर मैं आत्मा देवी देवता के स्वरूप में, दिव्य गुणधारी, कंप्लीट पवित्र, श्रेष्ठ संस्कार, प्रकृति बहुत सुंदर। धीरे धीरे मैं अपना पाठ बजाने के लिए वो नई सुंदर दुनिया में, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम वो नई दुनिया को देखेंगे, 2 मिनट वो वीडियो देखकर आप जाना। शांति। तो सबके बल्ब जले, जैसे भाई ने स्टार्टिंग में पूछा था ना कि लोग पूछते सोचते हैं कि बल्ब जलता है कि नहीं जलता है, लेकिन जरूर ये 1.5 घंटे के सेशन के बाद लग रहा है अभी कि बल्ब जो है वो जल गया है। तो स्वामी भाई को हमें इतना अच्छा गाइडेंस देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अभी हम वीडियो देखते हैं, और जैसे स्वामी भाई ने भी हमको याद दिलाया दादी जानकी के शब्द कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, तो शुक्रिया बाबा। तो ये शब्दों की स्मृति के साथ फिर हम विदाई लेंगे। ओम शांति।